रे स्वामिनी मेरा धे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीनों लोक के नात है सो तेरों अधीन सो तेरों अधीन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गाइए आ जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी आ गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारे यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारिये जय राधा माधव कुंज बिहारी हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गाइए ना, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हाँ राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय। हाँ गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय। प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 शिल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद।
नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद निंदंतम पुलकोत्करेण विकस भुजद्वयं हरि हरि त्युचे वदन तं मुहु नृत्यन्तं द्रुत्रमाश्रु निर्जरचये सिञ्चन्त भूर्वीतलम् गायन्तं निज पार्षदे परिवृतम् श्री गौरचन्द्रं नुमः श्री गौरचन्द्रं नुमः संसार सिंधु तरवो हृदयं यदि स्यात् संकीर्तनामृतरसे रमते मनश्चे प्रेमाम्बुदो विहरणे यदि चित्तवृत्ति चैतन्यचन्द्रशरण शरणं प्रयातु वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षात्म एकम पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुदे त्वां शरणं प्रपन्ना नम ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय
नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की, शिल प्रभुपाद की उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में फेसबुक, यूट्यूब, जूम आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं गौर प्रेम प्राप्त करने हेतु, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने हेतु यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले हमारे अमेरिका न्यू जर्सी में रहने वाले चिन्मय प्रभु, उनकी धर्मपत्नी देवकी माताजी, उनका बेटा प्रणव, बहु वृंदा, निमाई ललिता सखी माता और बाल गोपाल, मोहिनी राधा, निताई राम, और साथ ही साथ देवकी माता जी नौतराई घना है पास है, महेंद्र जी, मंजू जी और भी और इस परिवार के द्वारा निमंत्रित सभी भक्तगण श्री गौर कथा में, अब थोड़ा स्टाइल बदलना होगा, श्री चैतन्य महाप्रभु के इस पावन गाथा में आए हुए आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। अति आनंद उमंग अनुरागा, केवट चरण पखावन लागा। उस केवट की तरह आज बड़ा आनंद अनुभव हो रहा है कि पावन पवित्र अधिक मास शुरू हो चुका है। अब अधिक मास के विषय में मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। घर बैठे बैठे YouTube, Facebook, सोशल मीडिया के द्वारा इतना सुन चुके होंगे, इतना सुन चुके होंगे कि आप लोगों ने अधिक मास में PhD कर ली होगी। अब कोई आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाए ना, तो आप में से आप लोग 100 में से 100 लेकर आओगे। इतना अधिक मास, मैं तो सोचता हूँ कि वेदव्यास भी जितना नहीं जानते होंगे उतना आप लोगों के पास नॉलेज होगा अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ सब लोग अधिक मास के विषय में बता रहे हैं। बहुत सुंदर, कौन कहता है कि ये कलयुग बहुत खराब है? कौन कहता है कि कलयुग ये युग बराबर नहीं है? वास्तव में मेरी दृष्टि से देखो ना, तो ये कलयुग नहीं, ये कथा युग हो चुका है, ये कथा का युग हो चुका है। छोटे बड़े सब लोग भगवत कथा गा रहे हैं और यही जीव का वास्तविक धर्म है। सो पावन अधिक मास, अधिक शब्द ही मेरे जैसे लोगों को ज़्यादा पसंद है। एम आपने पास गुजराती, अपने पास गुजराती रहा ने, अपने त्या भारत में दूध वालों दूध आपा आवे है ने, तमने बधाने आइडिया है, भारत में दूध वालों दूध आपा आवे, अपने एम कही कि एक लीटर आपजे, शेर बे शेर आपजे, तो एनु जे ओलू करवाड़ू होय एनु जे माप, ये अर्धो एक लीटर, अर्धो लीटर, अर्धो लीटर नाखे, पछी छेले थोड़ुक उमेरण नाखे एक्स्ट्रा, हाँ ई अधिक ज्यां सुधी न पड़े ने त्यां सुधी दिल में शांति न थाय।
આપણે જયારે દૂધની તપેલી લઈને ઊભા હોઈએ ત્યારે આપણે રાહ કોની જોતા હોઈએ? એ એક લીટર દૂધની રાહ ન હોય, એ એક લીટર દૂધ આવી જાય પછી જે ઓલું એક્સ્ટ્રા આપતું હોય ને એમાં રાહ જોઈએ આપણે. અમારા ભારતનો ડાયરો, મુંબઈનો ડાયરો બેઠો, એની માટે એક ઉદાહરણ આપું. ભેળપુરી સેવપુરી ખાધી છે? પાણીપુરી તો ખાધી જ હોય ને યાર. પાણીપુરી જે ન ખાય એનું જીવન વ્યર્થ છે, આ લાલ ગોવિંદ બાપુનો શબ્દ છે. તો જબ હમ ભારત મે થેલે પર રેંકડી પર યા કોઈ દુકાન મે ભેલ ખાને જાતે હૈ યા સેવપુરી ખાતે હૈ યા કુછ લોગ કહેંગે ક્યું અધિક માસ મે યે સબ યાદ કરા રહે હો, હમને વ્રત લેકર રખા હૈ કેવલ શાકભાજી ખાયેંગે. લેકિન મેં કેવલ બતા રહા હું કે ફિર પાણીપુરી ખાઓ તો વાસ્તવિક હમારી નજર ઉસ ભેલ કે ઉપર, સેવપુરી કે ઉપર, પાણી કે પૂરી કે ઉપર કમ હોતી હૈ. હમારા ટાર્ગેટ ક્યાં હોતા હૈ? યે ખાને કે બાદ જો એક્સ્ટ્રા પૂરી મિલતી હૈ ને, એક્સ્ટ્રા ભૈયાજી વો મસાલા પૂરી દે દો, મસાલા પૂરી તો અધિક, મેં અધિક શબ્દ કે ઉપર બોલ રહા હું. હમ લોકો કી રુચિ અધિક મેં બહોત હૈ, મતલબ મેરે જૈસે. આપ તો સબ જેન્યુન હૈ, બિલકુલ એકદમ જેન્યુન, લેકિન અધિક. સેન્ડવિચ ખાવા નથી જતા આપણે? અમર ત્યાં આવો ક્યારેક મુંબઈ, હીરાની સેન્ડવિચ, કાળુની સેન્ડવિચ કેટલી ફેમસ હોય. તો સેન્ડવિચ ખાને કે બાદ વો તો ખા લેતે હૈ, ઉસકા 15-20 જો ભી હોતા હૈ દે દેતે હૈ, લેકિન ઉસકે બાદ કહેતે હૈ ભૈયાજી આલુ ચાહીએ, આલુ આલુ ઉસ પર જરા મસાલા ડાલો, ઉસ પર થોડા સોસ ડાલ દો, અધિક. યે અધિક મેં જ્યાદા રુચિ હોતી હૈ. હમ સબ કા એક સ્વભાવ હો ચુકા હૈ કુછ જ્યાદા કુછ અધિક. હમારે જીવન મેં ભી હમ જો ભી વસ્તુ હાસિલ કરતે હૈ ઉસ વસ્તુ કો હાસિલ કરને કે બાદ અધિક અધિક કી લાલસા બની રહેતી હૈ. જબ હમ સબ મનુષ્યો કે મન મેં અધિક કી લાલસા હૈ તો ભગવાન ને સોચા યે લે અધિક હૈ, યે સભી ચીજો મેં અધિક ચાહીએ. ભગવાન ભી બડે કૃપાલુ હૈ, વે બડે દયાલુ હૈ કે 12 મહિને કમ પડતે હૈ લે અધિક માસ, એટલે જ્યાદા મહિના. અબ આપ લોકોને સબ કુછ સુનાઈ હોગા ભક્તો, લેકિન મેં થોડા સા સરળ શબ્દ કરકે બતા દઉં, થોડા સા સરળ કરકે યદિ કહું તો યે અધિક માસ કૈસે આતા હૈ. વૈસે તો ઇસમેં દો દ્રષ્ટિ હૈ, એક તો ભગવાન કે દ્વારા દિયા હુઆ યે એક્સ્ટ્રા મંથ હૈ, યે અધિક મતલબ જ્યાદા મહિના હૈ. ક્યું? ક્યુંકિ ભગવાન ને દેખા કે સંસાર મેં યે સબ મનુષ્ય ઇસ દુનિયા મેં આયે હૈ ભવબંધન સે મુક્ત હોને કે લિયે. લેકિન બિચારી યે સબ સંસારી હૈ, ગ્રહસ્થી હૈ, ઓર ગ્રહસ્થિયો કો કામ ભી કરના પડતા હૈ, બિના કામ કે કૈસે ચલેગા. કલી બલદેવભાઈ કા ફોન થા, એટલાન્ટા આવ્યો છું માલ લેવા માટે, તો બિના કામ કિયે કૈસે ચલેગા. ક્યુંકિ ધર્મ અર્થ કામ ઓર મોક્ષ યે મનુષ્ય જીવન કે પુરુષાર્થ હૈ. દેખીએ હમે કિસી કે ઉપર બોજ નહીં બનના ચાહીએ. હમે હમારા જીવન, પત્ની બચ્ચો પરિવાર કા જીવન અપને ખૂન પસીને કી મહેનત સે કમા કર ખાના ચાહીએ, નહીં તો બહોત બડા દોષ લગતા હૈ. સો ભગવાન ભી ઇસ બાત કો સમજતે હૈ કે આજકલ ઇતની મંદી ચલ રહી હૈ તો બંદા કમાને કમાને મેં ઇતના મહેનત, ઇતના ઇતના કમિટમેન્ટ દે ચુકા હૈ કે ભજન કરને કા કોઈ સ્કોપ નહીં હૈ. તબ ભગવાન ને સોચા કે કોઈ જીવ 12 મહિને કા કમિટમેન્ટ દે ચુકા હૈ, કોઈ કોઈ એમ્પ્લોયી અપને ઓફિસ મેં જોબ કરતે હુએ, બિઝનેસ કરતે હુએ, લોક 12 મહિને તક સતત નિરંતરમ કાર્ય કરતા હૈ. તબ ભગવાન ને સોચા કે યે 12 મહિને તો કમિટેડ હૈ, તો ચલો એક કામ કરતા હું, એક મહિના એક્સ્ટ્રા દે દેતા હું. સો 3 સાલ મેં ભગવાન એક મહિના એક્સ્ટ્રા પ્રદાન કરતા હૈ. ક્યું? ક્યુંકિ હમ લોગ ઉસ એક્સ્ટ્રા મંથ મેં ભગવાન કા ભજન કર સકે. હાલાંકિ યે અંગ્રેજ તો અભી આયે, અંગ્રેજો કે પહેલે હમારા વૈદિક જો ગણના થી, વૈદિક હમારા કેલેન્ડર જો થા, ઉસમે જનવરી, ફરવરી, માર્ચ, એપ્રિલ યે સબ નહીં હોતા થા. હમારે વૈદિક મેં તો કાર્તિક, માગશીર્ષ, પોષ, ઇસ પ્રકાર મહાફાલ્ગુન, વૈશાખ, યે સારે મહિને હોતે થે. તો આજ ભી વૈદિક ગણના કે અનુસાર યદિ હમ કિસી કો કમિટમેન્ટ દે કે ભાઈ હમ તુમ્હારી ઓફિસ મેં કામ કરેંગે,
कार्तिक महीने से लेकर आसो तक, अश्विन तक, कार्तिक से अश्विन तक हम ऑफिस में काम करेंगे। तो वैदिक कैलेंडर, हमारे गुजराती हिंदू सनातन कैलेंडर के अनुसार यदि हम कमिटमेंट देते हैं, यदि हम काम करते हैं, तो 3 साल में 1 महीना एक्स्ट्रा मिलता है। सो भगवान के द्वारा ये दी हुई भेंट है, अधिक मास। जैसे दूध वाला दूध देने के बाद वो एक्स्ट्रा देता है, जैसे भेलपूरी सेवपूरी वाला वो एक्स्ट्रा मसाला पूरी देता है, जैसे सैंडविच वाला आलू देता है, वैसे ये भगवान जो है भजन करने के लिए अधिक एक्स्ट्रा मंथ हम सबको प्रदान किए हैं। और स्पेशली ये महीना, अन्य अन्य महीनों में तो हम बहाना बना सकते हैं कि प्रभु हम बिजनेस में बिजी हैं, कमिटमेंट दे चुके हैं, ऐसा है वैसा है, तो भगवान ने सोचा कुछ कृपा करनी चाहिए, है ना। मैं जब छोटा था ना, मैं वीडियो गेम बहुत खेलता था, हमारे ज़माने में बहुत होता था, तो उसमें खेलते खेलते कभी कभी बोनस स्टेज आता था। बोनस स्टेज ऐसा स्टेज जिसमें कोई ड्रैगन नहीं है, कोई 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 शत्रु नहीं है, कुछ नहीं है, केवल बोनस मिलता है और सारे पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं। तो समय बीतते बीतते 3 साल में 1 महीना ऐसा होता है जो भगवान बोनस देते हैं। बोनस मिलता है ना, जब जॉब करते हैं तो नहीं बोनस मिलता है, तो ये महीना बोनस का है यदि हम वैदिक गणना के अनुसार चले तो। बाकी पाश्चात्य देश की संस्कृति, गधों की तरह काम ही करना है, जीवन में ठान ही रखा है कि भाई गधा और बैल ही बनना है, तो फिर इसका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि पाश्चात्य देश की संस्कृति तो यही है, 5 दिन गधे की बैल की तरह मेहनत करो और फिर 2 दिन भोग भोग दो, 5 दिन मेहनत करो, 2 दिन भोग भोग दो, और बीच में उस 7 दिन में एक बार मंदिर जाकर प्रार्थना करो कि 7 दिन में मैंने इतने पाप किए हैं और गॉड मुझे क्षमा कर देना, ये बस हो गया जीवन, ऐसा नहीं होता। भजन करने के लिए भगवान ने स्पेशल ये अधिक मास हम सबको प्रदान किया है, और भगवान ने वरदान दिया कोई बात नहीं। अन्य 12 महीनों में आप कमिटेड हो, फैमिली के लिए मेहनत करते हो, आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता, लेकिन इस अधिक महीने में यदि आप भजन करोगे, थोड़ा भी भजन करोगे, तो 10,000 गुना अधिक फल मिलेगा। लिखा तो 1,00,000 है, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा इसलिए 1,00 मैंने कम कर दिया, बाकी लिखा मेरे सामने जो श्लोक है उसमें तो 1,00,000 लिखा है, कोटि लिखा है, लेकिन अनंत गुना अधिक फल इस अधिक मास में प्राप्त होता है। इसलिए हमें वैदिक गणना को देखकर और भगवान की स्पेशल इच्छा आज्ञा अनुमति को देखकर इस अधिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना चाहिए। भगवान की ये इच्छा थी कि 1 महीना एक्स्ट्रा मिले, लेकिन भगवान अपनी सृष्टि के नियम को तो तोड़ नहीं सकते, है ना। भगवान ने ये प्रकृति बनाई है, सो भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के नियम को तो तोड़ नहीं सकते, और उनको 1 महीना एक्स्ट्रा लाना था, आप समझ रहे ना। अब ऐसे सीधा सीधा तो 1 महीना उतार नहीं सकते, कुछ तो कृष्ण को लीला करनी होगी। तब कृष्ण ने कैसी लीला रची, ये काल की गणना जो है ये सूर्य और चंद्र की गति के ऊपर चलती है। सौर वर्ष सूर्य और चंद्र वर्ष, सूर्य और चंद्र सिमिलर गति से चलते हैं और ये काल ये समय उसी के अनुसार गति करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की ऐसी इच्छा कि भाई हमारे भक्तों को कुछ लाभ होना चाहिए और कम से कम 3 साल में 1 महीना या 1 साल में 10 दिन एक्स्ट्रा मिलना चाहिए इन लोगों को, तो भगवान ने क्या किया, सूर्य अपनी गति से चल रहा है लेकिन चंद्रमा जो है वह सूर्य से थोड़े धीरे धीरे, जानबूझकर धीरे धीरे चलते हैं। जब मैं बहुत छोटा था ना तो ये कथा सुनता था, अब बच्चों को तो क्या होता है, तो हम इमेजिन करते थे कि भाई सूर्य चलता है और चंद्रमा की गति धीमी होती है, और फिर तो मैं ऐसा इमेजिन करता था, ये बालपन की अभूत बातें हैं, लेकिन समझने में अच्छा आपको लगेगा। हम ऐसा याद करते थे, हम सोचते थे कि सूर्य जो है ना वो भगवान रामचंद्र है, क्योंकि राम अवतार भगवान रामचंद्र का जन्म सूर्य वंश में हुआ, और चंद्र जो है वो भगवान कृष्ण है, कृष्ण चंद्र, क्योंकि कृष्ण का अवतार कृष्ण का जन्म चंद्र वंश में हुआ।
तो आप एक इमेजिन करो, ऐसा कभी हुआ नहीं है, कम इमेजिन, ये मेरी बचपन की बात है, राम और कृष्ण दोनों साथ में चलते चलते जा रहे हैं। आप इमेजिन करो, आप ये दोनों की प्रोफाइल पहले याद कर लो, राम की प्रोफाइल कैसी है, कृष्ण की कैसी है। राम और कृष्ण दोनों साथ में चलते चलते जा रहे हैं। अब राम तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे साधे, भोले भाले, चुपचाप सीधे सीधे चल रहे हैं, लेकिन ये जो नटखट है कृष्ण, राम आगे आगे कृष्ण गोपियों को देखते हुए हाय बाय टाटा ऐसा ऐसा करते हुए चलते हैं, इसलिए कृष्ण पीछे रह जाते हैं। राम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे हैं, इसलिए सीधे सीधे आगे निकल जाते हैं। और चंद्रवंश में जन्म लेने वाले कृष्ण, गोपियों को देखना है, लोगों से मिलना है, इनकी चंचलता तो आप जानते ही हैं, तो ये बड़े चंचल हैं। ऐसा वर्णन है कि कृष्ण बछड़ों को चराने जाते थे ना, गाय बछड़ों को, तो गाय बछड़े बेचारे सीधे सीधे जेन्युइनली चलते थे, लेकिन जब किसी गली में किसी गोपी को देख लेते हैं तो कृष्ण उस बछड़े को ऐसे धक्का मार के ऐसे जैसे तैसे गली में लेकर जाते, और बहाना क्या देते हैं, ये बछड़ा बहुत परेशान करता है, ये बछड़ा सीधा नहीं चलता है, ये बछड़ा टेढ़ा ही चलता है। वो तो बेचारा सीधा ही चल रहा था, लेकिन कृष्ण उसको तारते तारते उस गली में लेकर जाते हैं और बछड़े के बहाने से उस गोपी का दर्शन करके आते हैं। तो राम जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो सीधे सीधे चलते हैं, और कृष्ण, कृष्ण का तो सब कुछ टेढ़ा है। कृष्ण का जन्म, कृष्ण की परवरिश गोकुल में हुई, तो गोकुल की गलियां भी टेढ़ी। कृष्ण जिस यमुना में स्नान करते हैं, जिस यमुना का जल पीते हैं, वो यमुना भी टेढ़ी। कृष्ण चलते भी हैं तो टेढ़े, कृष्ण खड़े भी रहते हैं तो टेढ़े, कृष्ण बोलते भी हैं तो टेढ़े, उनकी कृपा भी कुछ टेढ़ी ही होती है, और इसलिए उनकी जो भक्ति करते हैं वो भक्त भी हो जाते हैं। होना पड़ेगा, साढ़े दस नो समय तो अग्यार वगे आवू पड़े, तो होना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि हमारे भगवान टेढ़े हैं, ठीक है, हमारे भगवान टेढ़े हैं, और टेढ़े को यदि दिल में बिठाना है तो दिल को टेढ़ा करना पड़ेगा। अब खांचा टेढ़ा होगा तो ही वो टेढ़ा फिट हो पाएगा ना। सो इसलिए कृष्ण के भक्त की लीला भी कुछ टेढ़ी होती है। कई बार कुछ भक्त कहते हैं, प्रभु वो भक्त ऐसा करता है, वो भक्त ऐसा करता है, मैंने कहा चुप, वो लीला चल रही है, वो भक्तों की लीला है। इसलिए चरितामृत में लिखा, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाई। वैष्णवों की जो क्रिया मुद्रा है हम नहीं जान सकते, एक बार कृष्ण की तो समझ में आएगी, लेकिन वैष्णवों की जो है वो क्रिया मुद्रा समझ में नहीं आएगी। खैर, तो आप इमेजिन कर लिए, राम और कृष्ण दोनों साथ में, वैसे कभी नहीं चले, लेकिन लाल गोविंद दास लेकर आ रहा है। एक फिल्म था ना जिसमें त्रेता युग और द्वापर युग को मिक्स कर दिया, बहुत पहले देखा था, जिसमें वो रामायण के पात्र महाभारत के पात्र ज्वाइंट हो गए और फिर एक दूसरे के साथ संवाद। और खैर, तो त्रेता और द्वापर को आप मिक्स करो, कृष्ण और राम दोनों जा रहे हैं, राम सीधे सीधे चल रहे हैं, कृष्ण आजू बाजू देखते हैं, इसलिए बेचारे थोड़े पीछे रह जाते हैं। तो राम सूर्य वंश में प्रकट हुए, कृष्ण चंद्र वंश में प्रकट हुए, चंद्र और सूर्य दोनों गति करते हैं। देखिए इस प्रकार से याद रखते हैं तो सब याद रह जाता है, तो इसलिए दोनों गति करते हैं, इसलिए राम मतलब सूर्य आगे हो जाते हैं और चंद्रमा पीछे रह जाते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि चंद्रमा पीछे रहने के कारण सूर्य कभी, सूर्य की तिथि और चंद्र की तिथि में कभी कभी बदलाव हो जाता है। सूर्य कभी द्वादशी में चला गया, चंद्रमा अभी एकादशी में आटा मार रहा है। चंद्र जी दशम में आटा मार दो है, सूर्य द्वादशी पहुंची गयो है, तो इस प्रकार से आगे पीछे रह जाता है। तो यहां पर एक बात आई, इसलिए कह दूं, कर्मकांड जो है, कर्मकांड की विधि वो चंद्र को फॉलो करती है। चंद्रमा जो किस प्रकार से जहाँ पर है, लेकिन हम भागवत विधि जो है, हम सब भागवत विधि में है, भागवत विधि सूर्य को फॉलो करती है। अब इसमें भी ये बचपन की बात है, इसमें कोई साइंस नहीं है, जस्ट आपको याद रखने के लिए। कर्मकांडी लोग चंद्रमा को फॉलो करते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि हम एकादशी का दिन आता है और कभी कभी दो एकादशी होती है,
दशम प्रधान एकादशी और द्वादशी प्रधान एकादशी है ना। चंद्रमा दशमी को टच होकर खड़ा है और सूर्य द्वादशी को टच हो गया है, तो उस समय हम किसको फॉलो करते हैं? हम द्वादशी प्रधान एकादशी को फॉलो करते हैं, हम सूर्य को फॉलो करते हैं, और कर्मकांड जो है वो चंद्रमा को फॉलो करते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पर राइट हैं, इसमें कोई भेदभाव, भेद दृष्टि या झगड़ा नहीं होना चाहिए। कॉमर्स वाला कॉमर्स पढ़े, साइंस वाला साइंस पढ़े, आर्ट्स वाला आर्ट्स पढ़े, और जिसको नहीं पढ़ना है मेरी तरह घर बैठा रहे, इसमें कोई दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो चंद्रमा कर्म कांड को, चंद्रमा तिथि आदि को फॉलो करते हैं, और हम भागवत विधि जो है वह सूर्य को फॉलो करते हैं। क्यों? अब ये भी एक अंडरस्टैंडिंग की बात, इसमें कोई साइंस नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक सिद्धांत क्या है कि कृष्ण ने जो किया वो नहीं करना चाहिए, कृष्ण जो बोलते हैं वो करना चाहिए। कृष्ण ने किया, गोवर्धन उठाने जाओगे या रासलीला करेंगे सीधे जेल में डालेंगे, माखन चोरी करेंगे पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए कृष्ण ने जो किया वो नहीं करना चाहिए, कृष्ण का अनुकरण नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान रामचंद्र ने जो किया वो हम सबको करना चाहिए, क्योंकि भगवान रामचंद्र नर लीला किए, मनुष्य लीला किए। इसलिए हम भक्तों का सिद्धांत क्या है, कृष्ण की कथा सुनो और राम को फॉलो करो, ठीक है? कृष्ण की कथा सुनो और राम को फॉलो करो। तो अभी ये दोनों की गति हो रही है, सूर्य और चंद्र की, तो सूर्य को हमें फॉलो करना है, अर्थात सूर्य की जो तिथि है हम भागवती भक्त उसे फॉलो करते हैं, और चंद्र की तिथि की कथा सुनते हैं, मतलब कृष्ण की हम कथा सुनते हैं। सो कुल मिलाकर ये तिथियां आगे पीछे रह जाती है, क्योंकि ये राम और कृष्ण दोनों साथ में चल रहे हैं, और कृष्ण जो है अपनी लीला में मस्त हैं और राम स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहे हैं। ऐसा करने से ये दोनों के गति में एक साल में लगभग 11 दिन की गति। अब आप लोग, मैं जानता हूँ आप लोगों को मिनट घंटे सेकंड के साथ पता है कि कितना फेर है, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि आप सब PhD कर चुके हो, मैं मेरी देसी भाषा में बोल रहा हूँ ताकि थोड़ा मोटा मोटी स्मरण हो जाए। तो चंद्र और सूर्य की जो डिफरेंस है, एक साल में 11 दिन होता है, फिर दूसरे साल में दूसरे 11 दिन, तीसरे साल में तीसरे 11 दिन, ऐसे करके तीन साल में 30 दिन का गैप हो जाता है, मतलब एक महीने का गैप। अब हम प्रैक्टिकली देखें तो ये जितने भी फेस्टिवल उत्सव हैं ये ऋतु के अनुसार है कि भाई इस ऋतु में ये फेस्टिवल, इस ऋतु में ये फेस्टिवल। यदि सूर्य और चंद्र तीन साल में एक महीने का गैप हो जाता है, और उस गैप को यदि क्लियर न करे तो सारे उत्सव फेस्टिवल ऋतु से विरुद्ध हो जाएंगे। जैसे रामनवमी चैत्र में ही होनी चाहिए, मतलब चैत्र मास जो है न शीतल न घाम, न ठंड न गर्मी, है ना। होली जो है ठंड में होनी चाहिए। यदि तीन साल में एक बार इसको रिसेट न किया जाए तो सारे उत्सव फेस्टिवल ऋतु के अनुसार विपरीत हो जाएंगे। इसलिए वेदों ने क्या किया, भगवान स्वयं ने वेद में रहकर तीन साल में एक बार इसको रिसेट किया। हम लोग मोबाइल रिसेट करते हैं ना, हम कंप्यूटर रिसेट करते हैं, आप सब जानते हैं इस बात को। तो हर साल में 11 दिन चंद्रमा पीछे रह जाते हैं, दूसरे साल में 22 हो गए, तीसरे साल में 30-33 हो गए, तो तीन साल में एक बार उसको रिसेट किया जाता है, इसलिए एक महीना ज़्यादा बचता है। तो इसमें दो चीज़ हुई, एक तो भगवान की इच्छा से एक महीना ज़्यादा दिया, लेकिन उस एक महीना ज़्यादा देने के लिए कृष्ण ने ये लीला रची, और इस लीला के अनुसार एक महीना अधिक बचता है, और उस एक महीना जो अधिक बचता है उसे अधिक मास कहते हैं, जनरल नाम है अधिक मास। फिर आगे कथा आप बहुत बहुत जानते हो कि फिर उसको मल मास कहा गया, क्योंकि इस एक महीने में कोई काम नहीं हो सकता। मुझे बताओ, इस अधिक मास में किसी ने अपना वास्तु पूजन किया तो उसकी सरमनी तो तीन साल में एक बार आएगी, तो कौन करेगा, तीन साल में एक बार कौन उजाएगा, हा? इस महीने में किसी ने शादी की तो मैरिज एनिवर्सरी जो है वैदिक गणना, वैदिक कैलेंडर के अनुसार अधिक मास में मान लो किसी की शादी हुई तो अगले साल उसकी सेरेमनी होती है, भाई एक साल बीता, दो साल, लेकिन ये तो तीन साल में एक बार आता है।
यदि वैदिक कैलेंडर को फॉलो करते हैं। सो कुल मिलाकर ये छोटे छोटे रीजन है, कुल मिलाकर इस अधिक मास में किसी भी प्रकार के शुभ कर्म नहीं किए, उस समय किए जा रहे थे कि भाई ये तो कोई तिथि नहीं बनती है। अलग अलग महीने में तो तिथि बनती है, भाई कृष्ण पक्ष ये महीना, ये पक्ष ये महीना, ये वो, लेकिन ये तो एक एक्स्ट्रा मंथ हो गया। एक्स्ट्रा मंथ एटले शू खबर है, क्रिकेट जो तो मैं क्रिकेट अपने आप लोग देखते होंगे, क्रिकेट क्रिकेट में 12वां खिलाड़ी होता है, 11 खिलाड़ी तो उसमें होते हैं ग्राउंड में, लेकिन एक पूछड़ियो हो, एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्लेयर, इन्हें बेचारा खाली पानी ला वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो होता है ना उसको, उसका एक ही काम होता है कि भाई प्यास लगी तो दौड़ के जाता है पानी लेकर, किसी को लगा तो कुछ दवाई लेकर जाता है, वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्लेयर को यही करना होता है। तो बेचारा ये अधिक मास जो था उसमें न बैटिंग मिलती है, न फील्डिंग मिलती है, न कुछ मिलता है, वो एक्स्ट्रा बस वो क्रिकेट में जैसे पानी लेकर आता है, कभी जूस लेकर आता है, बस ऐसे ही, कुछ काम का नहीं रहा। मैं आगे आपको सुनाऊंगा कि ये सारे महीने एक साथ बैठकर चर्चा की है। चैत्र ने कहा भाई मेरे में तो रामनवमी है, श्रावण ने कहा कि भाई मेरे में तो कृष्ण जन्माष्टमी है, सब महीने अपने अपने गाने लगे। अधिक ने कहा यार मेरे में तो कुछ नहीं है। तो लोग कहने लगे कि तुम तो जैसे मल जो होता है वह कुछ काम का नहीं होता है, तुम मल के समान हो, इसलिए इस अधिक मास को मल मास कह दिया। मैं आपको आने वाले दिनों में ये 30 दिन तक यही सुनाने वाला हूँ, शुरू में थोड़ा 15-20 मिनट श्लोकों के अनुसार, लेकिन जस्ट मैं आपको याद करा दूँ। तो मल मास है, इसको बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ, फिर नारद मुनि इनको लेकर भगवान के पास गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम मेरे धाम में आए हो, मेरी शरण में आए हो, इसलिए आज अधिक मास मल मास नहीं, तुम्हें मैं स्वीकार करता हूँ और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है, इसलिए आज से तुम्हारा अधिष्ठात्रा मैं हूँ, स्वामी मैं हूँ, और इस महीने का नाम न अधिक मास न मल मास, इस महीने का नाम होगा पुरुषोत्तम मास। श्री पुरुषोत्तम मास की, पुरुषोत्तम शब्द के 10 अर्थ है और 10 अर्थों के और 10 अर्थ, 100 अर्थ है। मैं तो 2-3 दिन से यही सोच रहा हूँ कथा क्या करूँ, क्योंकि ये पुरुषोत्तम के ऊपर चला जाऊँगा तो फिर पुरुषोत्तम हो जाएगा। तो मैं फिर यही सोचा कि एक महीने तक पुरुषोत्तम मास चलने वाला है, तो रोज़ थोड़ा थोड़ा पुरुषोत्तम मास के विषय में हम सब सुनेंगे, रोज़ थोड़ा थोड़ा, और फिर हम हमारा जो टॉपिक सब्जेक्ट लेकर बैठे हैं उसके ऊपर चलेंगे। ये हुआ पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास को आइए हम सब प्रणाम करते हैं और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पुरुषोत्तम मासाय देवताम पुरुषोत्तम तस्मात् संपूजयेत भक्त्या तस्मात् संपूजयेत भक्त्या श्रद्धाय पुरुषोत्तमम् श्रद्धाय पुरुषोत्तमम्। पुरुषोत्तम मास, स्वयं भगवान कृष्ण ने, भगवान पुरुषोत्तम ने इस महीने को स्वीकार किया, इसलिए इस महीने का नाम हो गया पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास की बहुत 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 महिमाएं हैं वेदों में, शास्त्र में, बृहद नारदीय उपनिषद में बहुत सुंदर है। पुरुषोत्तम महीने की महिमा नहीं, पुरुषोत्तम महीने की जो महिमा है, जो महात्म्य है, उसकी महिमा मैं आज आपको बताऊं। पुरुषोत्तम महीने की महिमा तो हम आने वाले दिनों में समय समय पर सुनेंगे, लेकिन पुरुषोत्तम महीने का जो व्रत रहता है, पुरुषोत्तम व्रत, उस व्रत रहने की जो महिमा सुनता है, सुनने वाला, व्रत रहने वाला नहीं, आप लोग तो साग भाजी खाते होंगे, फ्रूट ही केवल खाते होंगे, अन्न बन्न सब छोड़ दिए होंगे, वो मोंगा नो पड़ता, बस ईज मारे केवानू है कि भाई मैं तो केवल सफरजन खाऊंगा, मैं तो केवल ये, मैं तो ये, तुम्हें मोंगा पड़ो छो। खैर, तो जो व्रत रहता है उसको तो फल अनंत अनंत गुना मिलता है, लेकिन व्रत रहने की जो कथा है अद्भुत है। भक्तों, मैं बृहद नारदीय उपनिषद
वास्तव में मूल रूप से तो इसके प्रवक्ता भगवान कृष्ण है, परंतु यह इतिहास भगवान नारायण ने नारद मुनि को सुनाया और फिर वही इतिहास सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया, सूत जी ने सुनकर फिर वही कथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को सुनाई। अनेकों जगह पर यह कथा है। और हम तो भक्तों, आप सब जानते हैं, अब तो एक आदत सी बन गई है कि कोई भी कार्य प्रमाण से करना। मैं आपको कहूँ, मैं आपको आज चैलेंज दूँ कि आपने पुरुषोत्तम महिमा बहुत सुनी होगी, लेकिन आज जिस प्रमाण से आप सुनोगे, श्लोकों के साथ, उनके शब्दों को समझकर, मैं आपको गारंटी देता हूँ पहली बार, क्योंकि ये उपनिषद ही किसी के पास, ये पुराणी नहीं होगा। ये तो मुझे आज रात को 2 बजे ये पुराण मिला हमारी लाइब्रेरी से, और फिर मैं रात भर इसको पढ़ा कि वे तो चमत्कार है, तो इतनी सारी बातें। तो कुछ श्लोक मैंने आपके लिए यहाँ पर उपस्थित कर रहा हूँ। बृहद नारदीय उपनिषद में ऐसा लिखा है कि एक समय की बात, पार्वती ने यह पुरुषोत्तम व्रत का पालन किया था। देवी पार्वती कैलाश में रहती हैं, शिव और पार्वती पावन गृहस्थ जीवन चल रहा है, और ये पवित्र पुरुषोत्तम कैलाशमय पुरुषोत्तम मास हो मधुसूदन प्रभु, केवल धरती पर ही नहीं होता, कैलाश में भी इसको फॉलो करते हैं, हैं? देवी पार्वती ने भी फॉलो किया, और देवी पार्वती ने पुरुषोत्तम मास रहकर एक दिन अपने पति से कहा कि प्रभु, मैं पुरुषोत्तम मास ये व्रत तो पालन कर रही हूँ, लेकिन इस व्रत का पालन करते हुए मुझे क्या दान करना चाहिए, कुछ मेरी दान करने की इच्छा हो रही है। समझ में आ गया ना आपको भूमिका, कि व्रत चल रहा है और चलते हुए व्रत में देवी पार्वती ने शिव जी से कहा कि मैं ये पुरुषोत्तम व्रत तो रह रही हूँ, अब पुरुषोत्तम व्रत कैसे रहना है, समय रहा तो मैं आपको बता दूंगा संक्षिप्त में, लेकिन ये पुरुषोत्तम व्रत रहते हुए मुझे धर्म करना है। हाँ, पार्वती ने कहा मुझे धर्म करना है, और पतिदेव कलयुग में तो एक ही धर्म का एक ही चरण बचा है और वो है दान, तो बताइए कि सबसे बड़ा दान कौन सा है इस दुनिया में, वो मैं करना चाहती हूँ। तब अब शिव जी के ये वचन है, देवाधिदेव महादेव कैलाश के शिखर पर इस वचन का उच्चारण अपनी पत्नी पार्वती से करते हैं। न शक्यम किंश्चिदेव अस्ति दानम पुरुषोत्तमे व्रत पूर्ण विधिम कर्तुम अर्पणे छंदसि क्वचित, अर्पणे छंदसि क्वचित। न शक्यम किंचित देवी अस्ति दानम श्री पुरुषोत्तम है। देवाधिदेव महादेव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम महीने में पुरुषोत्तम व्रत का पालन करने की बराबरी का कोई दान नहीं है। व्रत पूर्ण विधिम करतुम अर्पणे छंदसि क्वचित, छंद माने वेद। अब शिव जी कहते हैं कि छंदसि, छंद माने वेद, वेदों में क्वचित कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है कि पुरुषोत्तम महीने का व्रत कोई पालन करे और पुरुषोत्तम व्रत से कोई बड़ा दान हो। तो इसका अर्थ शिव जी का कहना यह है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दान यदि कोई है तो वह है पुरुषोत्तम व्रत का पालन करना। कलयुग का धर्म है दान, और सबसे बड़ा दान यह है पुरुषोत्तम व्रत का पालन करें, इस अधिक मास मल मास पुरुषोत्तम मास का पालन करें। फिर अगले श्लोक में कहते हैं, यद्दानम गिरी सुते युत्तमं परिकीर्तितं श्री कृष्ण वल्लभे मासी तत्सर्वं गौणतागतम। जब इस प्रकार से शिव जी ने कहा ना कि भाई कोई ऐसा वेदों में नहीं है, तो पार्वती लिस्ट बताने लगी कि पतिदेव ये तो ये दान ये दान ये दान ये दान ये दान। तो कहते हैं यद्दानम गिरी सूते, हे गिरी, गिरी माने हिमालय, ये हिमालय की सूते माने कन्या, हे हिमालय की कन्या,
मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल भी हिमालय की तरफ बड़ा है। देखिए एक एक संबोधन भी प्रसंग के अनुसार होता है। देवी मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल तुम्हारा हृदय भी हिमालय की तरह विशाल है और तुम कुछ दान देना चाहती हो और तुम ये पूरे दान का लिस्ट बता रही हो, लेकिन ये ही उत्तमम परिकीर्तितम, तुमने जितने भी दान बताए पुरुषोत्तम महीने में तत्सर्वम, वो सारे दान गौणताम गतम, वो सारे दान जो है गौण है, गौण माने सेकेंडरी है, वो सब छोटे हैं। तो एक बहुत सुंदर बात इस श्लोक में है कि पुरुषोत्तम मास का और एक नाम नोट कर लीजिएगा, अधिक मास, मल मास और पुरुषोत्तम मास, ये तीन ही जानते थे ना। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, कृष्ण वल्लभे मासी। ये पुरुषोत्तम मास कैसा है, कृष्ण वल्लभ है, वल्लभ माने प्रिय, कृष्ण माने भगवान श्री कृष्ण, मासी माने महीना। ये महीना कैसा है, कृष्ण वल्लभे मासी, ये कृष्ण वल्लभ मास, पुरुषोत्तम मास कृष्ण वल्लभ मास, अर्थात वल्लभ माने प्रिय, भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय ये महीना है। और इस सबसे अधिक इस प्रिय इस कृष्ण के इस महीने में जितने भी दान है तत्सर्वम, वो सारे दान गौण ताम गतम, वो सब छोटे हैं। पुरुषोत्तम व्रत के सामने, पुरुषोत्तम मास में आप जो व्रत लेते हैं, उस व्रत, ये व्रत के बारे में मैं बताऊंगा, आप केवल माइंड में रखिए कि उस व्रत के सामने दुनिया के सारे दान गौण हैं। इसका अर्थ ये है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि चलो एक्स्ट्रा मंथ मिल गया है, इस एक्स्ट्रा मंथ में हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, थोड़ा बिजनेस कर लेंगे, काम धंधा करके पैसा कमाएंगे और बहुत सारा पैसा दान कर देंगे, तो शिव जी यहाँ पर कहते हैं कि सारा दान तत्सर्वम गौण ताम गतम, ये सारे दान छोटे पड़ जाएंगे पुरुषोत्तम व्रत के आगे। इसका अर्थ यह है कि इस महीने में कुल मिलाकर सबसे बड़ा कार्य है पुरुषोत्तम व्रत का पालन करना। साक्षात भगवान नारायण निवेदन करते हैं इस श्लोक में पुरुषोत्तम मास उसकी महिमा के विषय में, तस्मादेतान्द्रशम दानम नैवास्ति क्वापि सुंदरी येन ते व्रत संपूर्ति भवेत् श्री पुरुषोत्तमे भवेत् ते श्री पुरुषोत्तमे। कहते हैं कि ऐसा ऐसा मैंने, शिव जी कहते हैं कि ऐसा मैंने यह महात्म्य सुनकर निश्चय किया है। तस्मात एतादृशम दानम नैव अस्ति क्वापि सुंदरी, अर्थात पुरुषोत्तम व्रत पालन करना, एतद इस प्रकार के दृश्यम, इसकी दृष्टि में इसकी कंपैरिजन में नैव अस्ति, किसी भी प्रकार का कोई दान नहीं है। येन ते व्रत संपूर्ति भवेत् श्री पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम के प्रति भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो व्रत रहता है उस व्रत से बड़ा कार्य धर्म दान इस दुनिया में और कोई नहीं है। अतः वे कहते हैं कि व्रत रहना तो बहुत बड़ी चीज है, उस व्रत के महात्म्य की कोई कथा सुने। कहते हैं सर्वेभ्यो साधनेभ्यो यम मास श्री पुरुषोत्तम वरियान निश्चयो मेद्य श्रुत्वा महात्म उत्तमम। कहते हैं कि सर्वेभ्य साधनेभ्यो यम, सर्वेभ्य सभी साधनों में, साधन तो आप सब जानते ही हैं, ईश्वर प्राप्ति करने के लिए भगवत प्रेम आदि प्राप्त करने के लिए हम जो क्रिया करते हैं उसे साधन कहते हैं, है ना। तो सर्वेभ्य मतलब सभी प्रकार के साधनेभ्यो, सभी प्रकार के साधनों में मास श्री पुरुषोत्तम, श्री पुरुषोत्तम मास व्रत जो है, वरियान, वरियान माने उसे मैं वरण करता हूं, वो सबसे श्रेष्ठ है, निश्चयो में ये मेरा निश्चय है। तो सभी साधनों में पुरुषोत्तम व्रत का पालन करना ये वरियान है, ये वरण करने योग्य सबसे श्रेष्ठ उत्तम है, मैं ऐसा मानता हूं। इसलिए अतः श्रुत्वा महात्म्य उत्तमम, इसलिए तुम पुरुषोत्तम मास के इस महात्म्य का श्रवण करो। पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कैसा है,
तो कहते हैं श्रुत्वा अपि जायते भक्तिया। पुरुषोत्तम व्रत रहने की बात दूर है, पुरुषोत्तम जो व्रत रहता है उस पुरुषोत्तम व्रत रहने की जो महिमा है उस महिमा को यदि कोई सुन लेता है, श्रुत्वा अपि केवल सुनता है, व्रत रहने की बात तो दूर रही। जैसे हम भागवत में वो सिद्धांत लागू पड़ता है, केवल भागवत सुनना है, भागवत सुनने के बाद करो वो बात अलग है। तो इस पुरुषोत्तम मास की कोई कथा सुनता है, श्रुत्वा अपि जायते भक्तिया, एक तो सुनने मात्र से जायते, जायते माने जन्म लेगी, उत्पन्न होगी क्या, भक्तिया, भक्ति। पुरुषोत्तम मास की महात्म्य की कथा सुनने से भक्तिया जायते, भक्ति जन्म लेगी, भक्ति उत्पन्न होगी, एक। और दूसरा महापाप क्षयो निर्णाम, इस पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने से महापाप, बड़े बड़े पाप क्षय हो जाएंगे, निर्णाम। तो किम पुनः श्रद्धया करतो, कहते हैं कि केवल सुनने मात्र से जब भक्ति उत्पन्न होती है और महापाप का क्षय होता है तो कहते हैं किम पुनः, तो फिर श्रद्धया कर तो फिर श्रद्धा से विधि नाच, विधि के अनुसार पुरुषोत्तम व्रत का पालन करे, उसका क्या कहना, चेती में मति, उसका उसका क्या कहना। सुनने मात्र से भक्ति उत्पन्न हो और महापाप खत्म हो जाए तो किम पुनः, तो श्रद्धा से यदि कोई पुरुषोत्तम मास और विधि विधान का पालन करे तो उसका क्या कहना। अतः अतः इसलिए आगे कहते हैं, अतः परम न किश्चिन में श्रोतव्य विशिष्यते पीयूष अनंत संतृप्तो न अन्य तोयम समीहिते। इसका अर्थ यह है कि इस पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने के बाद और कुछ सुनने लायक बचता नहीं है। अतः परम न किश्चिन में श्रोतव्य विशिष्यते, विशेष श्रोतव्य, विशेष रूप से सुनने के लिए कुछ बचता नहीं है। क्यों? क्योंकि दृष्टांत देते हैं, पीयूष्यंतंत संतृप्तो, पीयूष माने अमृत, अमृत पीकर जो संतृप्त, जो तृप्त हो चुका है, जैसे अमृत पीकर कोई तृप्त हो चुका है तो चौथी लाइन में न अन्य तोयम समीते, तो फिर उसको पानी की प्यास नहीं लग सकती। पीयूषांत्यंत संतृप्तो, पीयूष अमृत पीकर जो तृप्त हो चुका है तो न तोयम, तोयम माने पानी, तो वो कभी पानी नहीं मांगेगा। ठीक उसी प्रकार पुरुषोत्तम व्रत और पुरुषोत्तम व्रत की महिमा यदि किसी ने सुन ली तो फिर आगे कुछ सुनने लायक नहीं बचता है। तो इस प्रकार ये बात शिव जी ने पार्वती से कही और यही बात भगवान नारायण ने नारद मुनि से कही। अब आइए शौनक सूत गोस्वामी क्या कहते हैं। नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी ने पुरुषोत्तम मास के विषय में बहुत सुंदर बात बताई। भारते जनुरा साध्य पुरुषोत्तम मूतमं न सेवन्ते न शृण्वन्ति गृहा सक्ता नराधमा, गृहा सक्ता नराधमा। नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि मुनि को कहते हैं कि भारते जनुरासाध्य, भारत जैसे देश में आसाध्य माने भारत जैसे देश में जन्म लेना मुश्किल है, कठिन है, असाध्य मतलब बहुत कठिन है, लेकिन ऐसे भारत देश में जन्म हो चुका है तो भारते जनु बड़ा कठिन है, मुश्किल है, लेकिन फिर भी यदि भारत वर्ष में जन्म हो गया तो पुरुषोत्तम उत्तमम, सबसे बड़ा उत्तम व्रत है पुरुषोत्तम व्रत, तो भारत भूमि में जन्म लेकर पुरुषोत्तम व्रत को न सेवनते, पहली बात, भारत वर्ष में जन्म लेकर जो पुरुषोत्तम व्रत का न सेवनते पालन नहीं करता है, और दूसरा न शृण्वन्ति, और जो पुरुषोत्तम व्रत की कथा नहीं सुनता है, दोनों चीजें हैं, पुरुषोत्तम व्रत का पालन भी करना है और पुरुषोत्तम व्रत की कथा भी सुननी है। सो भारते जनुरासाध्य पुरुषोत्तम उत्तमम, भारत जैसे देश में जन्म लेकर, ऐसे बहुत सारी बातें हैं,
कि भाई भारत भूमि में जन्म लेना कितनी बड़ी बात है, फिर पुरुषोत्तम उत्तमम, फिर पुरुषोत्तम के 10 अर्थ आने वाले दिनों में हम सब बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर न सेवन्ते, पुरुषोत्तम व्रत का न सेवन्ते पालन नहीं करता है, और न श्रृणुवन्ते, पुरुषोत्तम व्रत का यदि कोई श्रवण नहीं करता है, ऐसा गृह, अब ये नहीं करेगा तो क्या होगा, घर में आसक्त ही माना जाएगा ना, घर गृह में आसक्त आदमी ही ये पुरुषोत्तम व्रत का पालन नहीं करेगा और कथा नहीं सुनेगा। तो कहते हैं वह गृहासक्त आदमी नराधमा, वो नराधम है, अर्थात वह नरों में अधम है जो पुरुषोत्तम व्रत का पालन नहीं करता, पुरुषोत्तम व्रत की कथा नहीं सुनता, वो नरों में अधम है। फिर आगे कहते हैं, फिर उसी को विपरीत शब्दों में कहते हैं कि धन्यास्ते पुरुषालोके, ये नित्यम पुरुषोत्तम, वो लोग धन्य है, धन्य है वो लोग जो इस लोक में, वो पुरुषा, वो पुरुष, वो मनुष्य धन्य है इस संसार में, इस धरती पर, ये नित्यम पुरुषोत्तम, जो पुरुषोत्तम महीने में नित्यम अर्चयंती, जो इस पुरुषोत्तम महीने में भगवान राधा कृष्ण की, गौर निताई की, भगवान रामचंद्र की, भगवान विष्णु की अर्चना नित्य करते हैं, तो धन्य है वह पुरुष लोके, इस लोक में, जो नित्य रूप से पुरुषोत्तम की अर्चना करते हैं। और कैसे अर्चना, अपने मन फावे हम नहीं, अपनी मन अपनी बुद्धि से नहीं, विधानेन, विधि के अनुसार, ये विधि भी इन पुराणों में लिखी गई है, अपने मन अपनी बुद्धि से नहीं, अर्चयंती विधानेन, विधि विधान के अनुसार, भक्त्या प्रेम पुरस्सरम, कहते हैं कि भक्ति और प्रेम प्रकट कर देता है यह पुरुषोत्तम व्रत, ये पुरुषोत्तम व्रत की महिमा, इनका कार्य। शौनक आदि ऋषि मुनियों ने पूछा कि प्रभु महिमा तो बहुत बता रहे हो, लेकिन ये पुरुषोत्तम व्रत किसी ने इतिहास में पालन किया है, कोई दृष्टांत है आपके पास? तब जड़ी बरसाते हुए कहते हैं कि हाँ है, ऐलान करते हैं, इंद्र दुम्न्य शतद्युम्नो यौवनाश्वो भगीरथ पुरुषोत्तम माराध्य ययु भवद अंतिकम, ययु भवद अंतिकम। बोले इतिहास में किसी ने इस व्रत का पालन किया? बोले हाँ, किसने? इंद्रद्युम्न, महाराज इंद्रद्युम्न ने इस व्रत का पालन किया। इंद्रद्युम्न दो है, एक तो गजेंद्र वाले इंद्रद्युम्न और एक जगन्नाथपुरी वाले इंद्रद्युम्न, इन दोनों ने पुरुषोत्तम व्रत का पालन करके पालन किया। दूसरा शतद्युम्न, शतद्युम्न नाम के राजा ने इसका पालन किया। तीसरा यौवनाश्व, माने युवनाश्व, महाराज युवनाश्व ने पुरुषोत्तम व्रत का पालन किया, और भगीरथ, भगीरथ जी ने इस पुरुषोत्तम व्रत का पालन किया था। कहते हैं इन लोगों ने पुरुषोत्तम आराध्य, पुरुषोत्तम महीने में भगवान पुरुषोत्तम की आराधना की थी। फल क्या मिला हमें तो ये जानना है, चौथी लाइन में फल क्या मिला? ययु, ययु माने प्राप्त किया, पहुंचे, ययु माने हासिल करना, तो ययु भवद अंतिकम, भवद माने भगवान पुरुषोत्तम, तो ये लोग भगवान पुरुषोत्तम अंतिकम, उनके निकट पहुंच गए। पुरुषोत्तम व्रत का पालन करने से ययु भवद, भवद बहुवचन में, ये सब लोग अंतिकम भगवान के निकट पहुंच गए। सो इंद्रद्युम्न, शतद्युम्न, युवनाश्व, भगीरथ, ये सब पुरुषोत्तम व्रत का पालन किए और भगवान के निकट पहुंच गए। तस्मात, सो दैट, देयर फॉर, इसलिए कहते हैं, इन बड़े बड़े लोगों ने, महाजनो ये न गतः सपन्था, बड़े बड़े लोगों ने ये पुरुषोत्तम व्रत का पालन किया है। तस्मात, इसलिए, सर्व प्रयत्नेन, इसलिए सर्व प्रयत्नेन, पूरा पूरा प्रयास करके, समसेव्य पुरुषोत्तम, तस्मात सर्व प्रयत्नेन, सर्व प्रयत्न पूरा पूरा प्रयास करके, बस बस मरना नहीं है,
सांस चलनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना, मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। सर्व प्रयत्न न माने जिंदा रहना चाहिए बंदा, तब तक सारा प्रयास कर लो, मरने की अणी तक सारा प्रयास कर लो पुरुषोत्तम व्रत का पालन करने के लिए। तस्मात सर्व प्रयत्न समसेव्य सम्यक रूपेण कंप्लीटली सेवा करो, किसकी? पुरुषोत्तम की। क्यों? क्योंकि सर्व साधनतः श्रेष्ठ सर्व अर्थ फलदायक, क्योंकि पुरुषोत्तम व्रत सभी साधनों में श्रेष्ठ हैं और सभी अर्थों के फल प्रदान करने वाला है, सर्व अर्थ फलदायक। लेकिन एक बात याद रहे, जब भी पुरुषोत्तम महीने में भगवान का कोई भी व्रत रखते हो, क्रिया करते हो, तो किसी भी क्रिया के पहले एक मंत्र बोलना होगा। ये सूत जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इसी श्रृंखला में, इसलिए श्लोक नंबर भी है, 28 के बाद 29 आएगा। बोले एक बात याद रखो कि पुरुषोत्तम समसेव्य, पुरुषोत्तम की सेवा पूजा कैसे करनी है? बोले एक श्लोक से करनी है, और वह श्लोक, हे ऋषि मुनियों आप लोग नोट कर लो, ये ऋषि मुनियों दाढ़ी मूछ बिना वाले बिगर के ऋषि मुनियों, आप लोग भी जूम वाले ऋषि मुनि आप भी नोट कर लो कि ये श्लोक आपको बोलना है। अगले श्लोक में वे कहते हैं, गोवर्धन धर्म वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सव मीशानम गोकुलोत्सव मीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम गोविंदम गोपिका प्रियम। अब इसमें तो पूरी कथा हो सकती है, ये एक श्लोक में पूरी कथा हो सकती है, लेकिन जस्ट आपको अनुवाद कर दूं। गोवर्धन धर्म वंदे भक्तों, ये भगवान को प्रणाम मंत्र के लिए भी बहुत अच्छा श्लोक, नोट करने जैसा। गोवर्धन धर्म वंदे, जिसने गोवर्धन धारण किया है, ऐसे गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण को वंदे। प्रश्न हो सकता है कि गोवर्धन ही क्यों, कालिय नाग को मारम वंदे ये भी हो सकता था, पूतना उद्धारम वंदे, बहुत सारी कृष्ण ने ब्रज में बहुत सारी लीलाएं की, लेकिन यहाँ गोवर्धन ही क्यों? अब इसमें जाएंगे तो बहुत सारी बातें निकलती हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अन्य जितनी भी लीलाएं की, बहुत सारी बातें, लेकिन एक पॉइंट बता दूं कि अन्य जितनी भी लीलाएं की, उन लीलाओं में कृष्ण ने मात्र एक रस का आस्वादन किया। यशोदा के साथ केवल वात्सल्य तो केवल वात्सल्य, सखाओं के साथ केवल साख्य तो केवल साख्य, गोपियों के साथ केवल माधुर्य तो केवल माधुर्य, लेकिन ब्रज लीला में कृष्ण की एक लीला ऐसी है जिस लीला में कृष्ण ने साख्य का, दास्य का, वात्सल्य का, माधुर्य का, सारे रसों का आस्वादन किया, और वो थी गिरिराज गोवर्धन लीला। गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन महाराज की, श्रीनाथ जी भगवान की। तो गोवर्धन की ये महिमा, बहुत सारी महिमा है, हरिदास वर्य जिसे कहा गया। तो ऐसे गोवर्धन को जिन्होंने अपने उंगली पर धारण किया है, मैंने उस दिन कहा था ना कि गोपियों ने कहा कि कृष्ण तू हवा मत कर, ये गोवर्धन तूने नहीं उठाया, ये गोवर्धन हमारी राधा रानी ने उठाया है। कृष्ण ने कहा कि कनेक्शन तो मेरे हाथ में ही जा रहा है, मतलब देख तो लो, यहाँ वो उंगली है, यहाँ से चेक कर लो, यहाँ बीच में तो कोई है नहीं, पर आप लोग दावा करते हो राधा रानी ने उठाया है। गोपियाँ कहती नहीं, गोवर्धन राधा ने उठाया है। कृष्ण ने कहा तो कैसे राधा ने उठाया? तो वहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले बताया था, बड़ी रसिक बात है कि गोवर्धन राधा ने उठाया कैसे। मैं आपको प्रश्न पूछूं, कृष्ण जमणे रियता डाबे रियता, पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, कृष्ण राइटी थे कि लेफ्टी थे? राइटी थे ना, कृष्ण राइटी थे, सब लोग मानते हैं राइटी है, सब लोग मानते हैं कृष्ण राइटी है, तो आगे बढ़ूं मैं, ठीक है, कृष्ण राइटी है, ओके, चलो नारायण ने भी मान लिया, सब ने मान लिया राइटी है, ओके। अब दूसरा प्रश्न मैं आपको पूछूं कि अचानक से आपको कोई बहुत बड़ा वजन उठाना हो, और यदि आप राइटी हो तो आप किस हाथ से वजन उठाओगे? राइट से ही उठाओगे ना,
आप लोग एक्सरसाइज करते हो, कभी जिम में गए हो ना, तो आपको आइडिया होगा कि जो लिफ्ट आप राइट से कर सकते हो लेफ्ट से नहीं कर सकते। यदि आप राइट ही हो तो लेफ्टी को लेफ्ट में ज्यादा दम होता है, राइटी वाले को राइट में ज्यादा दम होता है। એટલે કોઈને લાફો મારવો હોય તો જમણા હાથે, તો આમાં થોડુંક વધારે જોર હોય એમ. તો તો માન લો કૃષ્ણ રાઇટી હૈ, પહેલી વાત. દૂસરા કે ઉનકો ઇતના બડા ગોવર્ધન 21 કિલોમીટર કા તો આજ હૈ, ઉન દિનો તો બહોત બડા થા, મતલબ આજ કે દિન કા હી સમજ લો ના, 21 કિલોમીટર લંબા ચોડા પર્વત ઉઠાના હૈ, ઓર રાઇટી બંદા રાઇટી હૈ और उसे तुरंत उठाना है, तो वह कौन से हाथ से उठाएगा? राइट हाथ से ही उठाएगा। यदि हम राइटी हैं और हमको बहुत सारा वजन उठाना है और एक ही हाथ यूज करना है, तो हम राइटी है तो राइट हैंड यूज करेंगे। कृष्ण राइटी थे तो गोवर्धन को राइट हैंड से उठाना चाहिए था, लेकिन नहीं, कृष्ण ने लेफ्ट हैंड से उठाया। क्यों? क्योंकि राइट हैंड में ताकत नहीं थी। लेफ्ट साइड में दिल होता है, हार्ट होता है, और राधा रानी कृष्ण के हार्ट में बैठी है, और कृष्ण के हार्ट में बैठकर लेफ्ट हाथ में राधा रानी शक्ति दे रही है। तो बाम भाग में, क्योंकि और बाम भाग में वैसे भी होती है राधा रानी, लेफ्ट साइड में होती है, तो लेफ्ट साइड में राधा खड़ी रहती है, राधा ने लेफ्ट साइड से शक्ति दी, तब जाकर गोवर्धन उठाया। और अलक्ष्य रूप से राधा रानी यहां पर थी, अलक्ष्य रूप से राधा के कंधे पर ऐसे हाथ दे दिया, आप समझ रहे हो ना, यहाँ मतलब यहाँ कोई खड़ा है और किसी के कंधे पर ऐसे हाथ दे दो तो ऐसे मतलब अपने को वजन नहीं लगता, उनके कंधे पर आता है। तो लेफ्ट साइड पर श्रीमती राधा रानी हार्ट में है और बाहर भी है, राधा रानी के कंधे पर रखकर कृष्ण ने गोवर्धन उठाया। इसलिए कछु माखन को बल बध्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्रीमती राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। तो इस प्रकार से ऐसे गोवर्धन धर्म वंदे, ऐसे गोवर्धन धारण करने वाले को प्रणाम करते हैं। और गोपालम, जिसका जो गोपाल है, जो गाय की सेवा पूजा करते हैं, गोप रूपिणम, और जो गोप के रूप में प्रकट हुए हैं, गोपाल की सेवा करने के लिए गोप के रूप में प्रकट हुए हैं। कृष्ण कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई ऑफिस वॉफिस वाले नहीं है, वो सीधे साधे गांव के ग्वाले हैं। अमर त्या ने भरवाड़ कहवाई, तमर त्या ग्वाला कहवाई, अने इंग्लिश में कहवाती वही खरु, हाँ इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर इंग्लिश में नो जामे, आमत जामे, गोप ही जमता है। तो अब राधा रानी की सखी कहने में जो आनंद है, वो इंग्लिश वाले बोलते हैं राधा की जो फ्रेंड्स हैं ना, राधा की फ्रेंड्स, वो फ्रेंड में थोड़ी वो आनंद है। तो गोपालम गोप रूपिणम, कृष्ण गोपाल हैं और गोप रूप धारण किया है। गोकुल उत्सवम ईशानम, कृष्ण जो है स्वयं गोकुल के उत्सव के समान है, हा? गोकुल उत्सव, गोकुल के उत्सव है, उत्सव में कैसा आनंद होता है, उत्साह होता है, तो कृष्ण स्वयं उत्सव है। कृष्ण जहां आते हैं वहां उत्सव हो जाता है, तो ये उत्सव है, ये आनंद है। जहां जहां कृष्ण की कथा होती है वो आनंद उत्सव होता है, तो स्वयं भगवान कृष्ण हो इसमें क्या कहना। इसलिए कहते हैं गोकुल उत्सव, गोकुल के उत्सव है। ईशानम, ऐसे ईश्वर हैं, भगवान है। और गोविंदम, अब गोकुल के भी बहुत सारे अर्थ हैं। गोकुल माने गाय का कुल, और गो माने इंद्रियां भी होती हैं, इंद्रिय माने हमारा शरीर, हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए भी कृष्ण उत्सव के समान है, सारी बातें हैं। और गोविंदम गोपिका प्रियम, ऐसे गोविंद गोपियों के प्रिय हैं। इस मंत्र के द्वारा इस पुरुषोत्तम महीने में भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना करनी चाहिए। अब ऋषि तो ऋषि होते हैं, इसका प्रमाण क्या है, ये मंत्र किसने दिया, ये मंत्र का फाउंडर कौन है, ये किसने पूछा? शौनक आदि ऋषि मुनियों ने सूत गोस्वामी से पूछा। आजकल भी बहुत जगह पर ये श्लोक घूम रहा है कि ये श्लोक बोलना चाहिए, लेकिन अब हमारी बुद्धि क्या हो गई है, इसके मूल में जाना है, ये श्लोक आया कहाँ से, कहीं ऐरा गेरा तो नहीं है, कहीं यहाँ वहाँ से किसी ने नहीं बता दिया। तो ये ऋषि मुनियों की बुद्धि है, प्रमाण से कोई भी कार्य करेंगे, ठीक है। तो सूत जी को पूछा गया कि भाई ये मंत्र के फाउंडर कौन है, किसने ये मंत्र का उच्चारण किया,
तब अगले श्लोक में, इसके बाद वाले श्लोक में ही सूद गोस्वामी कहते हैं, कौंडिन्येन पुरा प्रोक्तम इमं मंत्र पुनः पुनः जपन मास न येद भक्त्या पुरुषोत्तम आपनयात, पुरुषोत्तम आपनयात। समझने जैसा है, हमारे इतिहास में अनेक ऋषि मुनि हुए, उन अनेक ऋषि मुनियों में से एक हैं कौंडिन्य ऋषि। ये कौंडिन्य जो लिखा है ना, ये ऋषि का नाम है। सो कौंडिन्य ऋषि, कौंडिन्य ऋषि पूरा प्रोक्तम, पूरा माने बहुत पहले कौंडिन्य ऋषि ने प्रउक्तम इसे कहा था। तो अब आप भी समाज में कहिएगा, ये जो श्लोक घूम रहा है ना आजकल सोशल मीडिया में, ये कौंडिन्य ऋषि ने कहा है। सो कौंडिन्य न पुरा प्रोक्तम इमं मंत्रम पुनः पुनः। अब कहते हैं कौंडिन्य ऋषि का अपना अनुभव देखिए, पूरा बहुत पहले कौंडिन्य ऋषि ने इमं मंत्र, ये मंत्र पुनः पुनः बार बार क्या किया था, जपन मासम, इस मंत्र को कौंडिन्य ऋषि ने बार बार जपन मासम, बार बार जाप किया था। और बार बार और जाप कैसे किया था, नयत भक्तिया, भक्ति भाव से, प्रेम भाव से। तो कौंडिन्य ऋषि ने बार बार इस मंत्र को भक्ति भाव से जाप करने से क्या फल मिला, चौथी लाइन में, पुरुषोत्तम आपनयात। इस मंत्र का भक्ति भाव से बार बार जाप करने से भगवान पुरुषोत्तम को प्राप्त कर लिया। आपनयात, आपनुयात माने प्राप्त कर लेना। तो कौंडिन्य ऋषि ने इस मंत्र, मतलब ये मंत्र सफल है, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर प्रयोग किया जा रहा है, ये प्रयोग किया गया मंत्र है। जैसे आजकल ये वैक्सीन प्रयोग हो रही है ना, एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना, तो ये मंत्र एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। इस मंत्र को बोलकर पढ़कर कौंडिन्य ऋषि पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। और ये मंत्र देकर क्या कहा सूत जी ने, ध्यान से सुनो, गुह्यात गुह्य तरम चेती। ये मंत्र गुह्य है, गुह्य नहीं, गुह्यात गुह्य तरम, ये गुह्य से भी गुह्य मंत्र है। न वाच्यम यस्य कस्यचित, सब लोगों के सामने मत इसे पढ़ना, सबको मत बताना। क्यों, मया अपि कथितम नैव कस्यात अपि अग्रे तपोधना। सूत जी क्या कहते हैं कि मैंने भी आज तक ये मंत्र किसी को नहीं बताया, लेकिन है शौनक जी, हे ऋषि मुनि तपोधना, आप तपस्या कर करके शुद्ध हो चुके हो, इसलिए मैं आज ये मंत्र आपको बता रहा हूं, नहीं तो मैंने भी आज तक ये मंत्र किसी को नहीं कहा। सो इस प्रकार से ये मंत्र प्रदान किया गया। और फिर आगे आगे गाने लगते हैं, सूत जी गाते हुए कहते हैं, श्रोतव्य एतत् सततम् पुराणम् अभीष्टदम् पाव नमाद रेण श्लोकेकमात्र श्रवणेन पुंसाम् अघानि सर्वाणि निहन्ति विप्रा। हे शौनक आदि ऋषि मुनिगण, इस पुरुषोत्तम मास में भगवत कथा सुनने का तो विधान है, कथा सुननी चाहिए, लेकिन विशेष रूप से ये पुरुषोत्तम व्रत की जो कथा है, जो अभी हमने नहीं सुनी है, वो कथा तो बहुत सारे अध्यायों में है, लेकिन पुरुषोत्तम व्रत की कथा श्रोतव्य, यदि कोई सुनता है, सततम, सतत रूप से सुनता है। अच्छा, पुरुषोत्तम मास की कथा कहाँ पर लिखी हुई है, तो कहते हैं पुराणम, पुराण में लिखी हुई है। तो पुराण में बताई गई पुरुषोत्तम मास की कथा को श्रोतव्यम, जो सुनता है, तो क्या होता है, अभीष्टदम, अभीष्ट माने उनकी सारी मनोकामना, सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है, और पावनम आदरेण, वो पवित्र हो जाता है,
और आदरण उनकी कीर्ति चारों लोक में फैल जाती हैं। श्लोकेक मात्र श्रवणेन पुंसाम, पूरे पुरुषोत्तम मास की कथा छोड़ दीजिए, पुरुषोत्तम मास की कथा एक श्लोक भी यदि कोई सुनता है, श्लोके मात्र श्रवणेन पुंसाम, पुंसाम कुत्ता तो ये सुन नहीं सकता, बिल्ली तो यहाँ आ नहीं सकती, इसलिए कहते हैं पुंसाम, पुरुष मनुष्य श्लोके एक श्लोक भी श्रवणेन सुनता है तो अगानी सर्वाणी निहंती विप्रा, तो सर्वाणी अगानी सारे अग सारे पाप निहंती दूर हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। इतना ही नहीं, गंगा आदि सर्व तीर्थेशु, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी अलकनंदा नर्मदा, गंगा आदि सर्व तीर्थेशु मज्जतो यत फलम भवेत, अमेरिका वालों के लिए बहुत बढ़िया है, भारत वालों के लिए भी, और इस समर में तो हरिद्वार जा नहीं पाए हैं, मैं भी नहीं जा पाया, इसलिए गंगा आदि सर्व तीर्थेशु, गंगा इत्यादि सभी तीर्थों में मज्जतो, मज्जतो माने स्नान, गंगा आदि सभी तीर्थों में स्नान करने का यत फलम जो फल भवेत प्राप्त होता है, तत् फलम वही फल शृणव तस्य, वही फल शृणवन सुनने से, क्या सुनने से, तस्य महात्म्यम, कस्य महात्म्यम, पुरुषोत्तम मास महात्म्यम, पुरुषोत्तम व्रत महात्म्यम, भगवान पुरुषोत्तम की कथा सुनने से वही फल प्राप्त होता है जो फल गंगा आदि सभी तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है। संबोधन देते हैं मुनि सत्तमा, हे मुनियों में श्रेष्ठ, यह बात आप सब जानते हैं। इतना ही नहीं, इला, इलाम प्रदीक्षिणी कुरुवन, इला माने पृथ्वी, ये धरती, इस पूरी पृथ्वी की परिक्रमा, कुछ लोग वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा, परिक्रमाएं तो होती है ना, तो इलाम प्रदीक्षिणी कुरुवन, पूरी धरती की कोई परिक्रमा करे, यत पुण्यम लभतेर पर नरह, पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करके यत पुण्यम, जो पुण्य किसी मनुष्य को प्राप्त होता है, तत् पुण्यम वही पुण्य शुणवन तस्य महात्म्यम पुरुषोत्तमम, पूरे धरती की परिक्रमा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य पुरुषोत्तम महात्म्यम, भगवान पुरुषोत्तम की यह कथा सुनने से वह पुण्य प्राप्त होता है, वह फल प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, ब्राह्मणों, ब्राह्मण यदि यह कथा सुने तो ब्रह्म वर्चस्वी, तो उसका ब्रह्मचर्य बढ़ता है, ब्राह्मण सुनता है तो उसका ब्रह्मचर्य बढ़ता है, क्षत्रियो वसुधाधिप, और क्षत्रियो क्षत्रिय यदि कोई सुनता है तो वसुधा अर्थात उसे राज्य की प्राप्ति होती है, क्षत्रिय नेता आदि जो कंट्रोल करते हैं देश आदि को, तो ब्राह्मणों ब्रह्म वर्चस्वी क्षत्रियो वसुधाधिप, क्षत्रिय यदि ये सुनता है तो वसुधा उसे पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है, और वैश्य कोई वैश्य कोई व्यापारी इसे सुनता है तो धनपति भूयात, तो वह धनी हो जाता है, और शूद्र यदि कोई शूद्र इसे सुनता है, चतुर्थ वर्ण यदि इस कथा को सुनता है तो सतमति भवेत, तो उसे सतमति प्राप्त हो जाती है। इतना ही नहीं भक्तो, येनिये किरात हूणांघ्रा, जो जो व्यक्ति इस कथा को सुनेगा, किस किस कथा को, पुरुषोत्तम मास की कथा को, येनिये किरात, किरात माने मनुष्य की ये जाति है, और 400,000 प्रकार के मनुष्य ना, चतुर्लक्षणी मानुष्य, उनमें से सबसे नीच निम्न जाति ये सारी जाति है, किरात हूणांघ्र पुलिंद आभिर कंक खस यवन म्लेच्छ ये सब शबर ये सब हीन जाति हैं, तो येनिये किरात हूणांघ्रा, ये मनुष्य में जो हीन जाति वाले लोग, यहाँ तक पशु चर्य परायण, यहाँ तक पशु की तरह जो अपना जीवन बिताते हैं, ते सर्वे वो सब लोग मुक्ति मायांती, वो सब मुक्त हो जाएंगे, कैसे, श्रुत्वा महात्म्यम उत्तमम, ये पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनने से, पुरुषोत्तम व्रत पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने से ये सभी प्रकार के लोग मुक्त हो जाएंगे। और भक्तों अंत में ये अपने टाइप के लोगों की बात है कि यदि कोई व्यक्ति ये कथा सुनाएगा तो क्या होगा, ये प्रवचन करने वाले को क्या मिलेगा, भाई अपना तो कुछ बनता है ना, हम गड़ू गड़ू फाड़ फाड़ करो तुम्हें है, तो अपने को क्या मिलेगा, तो पुरुषोत्तम महात्म्यम लेखयित्वा
द्विजन मने। यदि कोई पुरुषोत्तम की कथा को लिख कर दूसरों को देता है, मुँह क्या लिखवा, हूँ मेरे हैंडराइटिंग मुझे ही नहीं पता, मुँह में ही कभी कभी नहीं समझ पाता हूँ, तो लिखने का अब जमाना गया, अब तो जूम का जमाना आ गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये करना होगा। लखवा कौन जाए, तो पुरुषोत्तम महात्मा ये कथा यदि कोई लिख कर देता है, मतलब जैसे भी, यदि कोई ये व्यक्ति, आप चौथी लाइन का अंतिम शब्द देख लीजिए बस, पुरुषोत्तम महात्म्यम कथा प्रयच्छति, जैसे तैसे दूसरों को देता है, प्रयच्छति माने देना, फिर लिख कर दो, बोल कर दो, जैसे भी दो, देना है ना, फिर जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, पुरुषोत्तम महीने की कथा यदि कोई दूसरों को सुनाता है तो उसको फल क्या मिलता है, कुलत्रयम् समुद्रुत्य गोलोकम् याति दुर्लभम् यत्रास्ते गोपिका वृन्दे वैष्टितः पुरुषोत्तम वैष्टितः पुरुषोत्तम। एन केन प्रकारेण ये कथा जो दूसरों को सुनाता है, इसमें हम दो लोग आ सकते हैं भाई, एक तो मैं बोल रहा हूँ और दूसरे हमारे देव की माता चिन्मयी प्रभु, ये लोग ऑर्गेनाइज किए हैं, वैसे दो ही आएंगे, ये दे रहे हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, मैं बोल रहा हूँ, तो जो ये कथा दूसरों को देता है उसको क्या फल मिलता है, तो कहते हैं कुलत्रयम् समुद्रुत्य, उनके तीनों कुल समुद्रुत्य उद्धार हो जाता है। कैसे उद्धार होता है, थोड़ा क्लेरिफिकेशन देते हैं कि कुलत्रयम् समुद्रुत्य, उनके तीन कुल का उद्धार हो जाता है। कैसे उद्धार होता है, डिस्क्रिप्शन देते हैं, गोलोकम याति दुर्लभम, जिस गोलोक में जाना बड़ा दुर्लभ है, याति माने प्राप्त करना, दुर्लभम बड़ा दुर्लभ है, जिस गोलोक धाम को प्राप्त करना, 14 माले की बिल्डिंग है, मतलब 14 माले का वैकुंठ है, तो मान लो टॉप मोस्ट फ्लोर जो है वो गोलोक है, आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ में भी टॉप है गोलोक, तो जो इसका प्रचार करता है, जो दूसरों को देता है, तो कुलत्रयम् समुद्रुत्य, तीन कुल का उद्धार, कैसे उद्धार होता है, वो भी ऐसा वैसा नहीं, गोलोकम याति दुर्लभम, वो दुर्लभ ऐसे गोलोक को प्राप्त होता है। अच्छा, गोलोक में जाकर क्या होता है, न्यायते फजीयत दफाई करना होता है या कुछ वहां पर कुछ आनंद वानंद होता है, तो देखिए बहुत सुंदर बात कि यत्रास्ते, उस गोलोक में जाकर क्या, यत्र आस्ते, उस गोलोक को प्राप्त करके गोपिका वृंदे, गोपियों का वृंद होता है वहां गोलोक में, बहुत सारी गोपियां होती हैं, वेष्टित पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आजू बाजू में बहुत सारी गोपियां होती हैं, उस गोपियों के बीच में आपको स्थान प्राप्त हो जाता है जो व्यक्ति इस कथा का प्रचार करता है। ये सुध गोस्वामी शौनक आदि ऋषि मुनि को सुना रहे हैं, तो प्रमाण के साथ, श्लोक के साथ मैंने जो भी रात को पढ़ा सुना आपके बीच में प्रस्तुत किया बृहद नारद योग पुराण में। तो इस प्रकार से ये वर्णन किया गया है कि पुरुषोत्तम मास व्रत का पालन करना चाहिए और इसकी महिमा का वर्णन। अतः हम क्या करेंगे, वैसे तो हम चैतन्य लीला सुनने वाले हैं, हमारी देवकी माता जी और चिन्मय प्रभु की बड़ी इच्छा है कि महाप्रभु के विषय में श्रवण करें, और मैं तो समझता हूँ कि भगवान आपके हृदय में क्या क्या प्रेरणा देते हैं। पुरुषोत्तम मास शुरू हो चुका है और सबसे पहली कथा श्री चैतन्य महाप्रभु की, मैं पुरुषोत्तम के अनेकों अर्थ बताऊंगा, पुरुषोत्तम का अल्टीमेटली अर्थ होता है चैतन्य महाप्रभु, पुरुषोत्तम माने चैतन्य महाप्रभु। तो भक्तों, पुरुषोत्तम महीने का ओपनिंग चैतन्य महाप्रभु की कथा से होने जा, क्या योग है, न मैंने सोचा था, न देव की माता चिन्मय प्रभु ने सोचा था, हम किसी ने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन आज जब हम इस मोड पर आए हैं, जब पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है और हम चैतन्य लीला सुनने जा रहे हैं, तब पुरुषोत्तम का एक अर्थ, हम कैसे टेक्निकली कैसे अर्थ होता है मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। तो महाप्रभु की कथा तो होगी, लेकिन क्योंकि पुरुषोत्तम मास की कथा की इतनी सारी महिमा है, इसलिए रोज हम 15-20 मिनट ये पूरे महीने इस कथा में, आने वाली कथा में पूरे 30 दिनों तक हम रोज पुरुषोत्तम महीने के विषय में कुछ ना कुछ श्रवण करते रहेंगे और साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनेंगे। आप सब जानते ही होंगे, लेकिन आपने मुझे जिस आसन पर बिठाया है, मेरा धर्म बनता है
कि पुरुषोत्तम व्रत में क्या नियम होते हैं। ये नियम यदि आप मरने की तागात पर हो तो मत पालन करना, बाकी हो सकता है तो इसका पालन कीजिएगा। कुछ नियम है सात्विक तात्विक, आखिर अल्टीमेटली ये नियम भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन जैसे भगवान ने अधिक मास दिया है तो भक्ति भी अधिक होनी चाहिए। तो सबसे पहले हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से लेकर 4:58 तक होता है, मतलब सुबह 4 जग जाना चाहिए। स्नान आदि क्रिया करके फिर अपनी मंगला आरती, फिर पूजा और जो हरिनाम जप होता है वह करना चाहिए। दूसरा नियम है कीर्तनीय सदा हरि। आप सब वैष्णव हैं, सब भक्त हैं, जो हरिनाम नहीं जपते महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो नहीं जपते हैं एटलीस्ट कम से कम इस पुरुषोत्तम मास में इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और जो 16 माला जाप करते हैं उसे 25 माला 32 माला 64 माला अधिक बढ़ाना चाहिए। तीसरा, इस महीने में विशेष रूप से भगवान से प्रार्थना करनी होती है और इस प्रार्थना को आचार्यों के माध्यम से करना चाहिए। जैसे ठाकुर भक्ति विनोद ने, जैसे हम जय राधा माधव गाते हैं तो नियम बनाना चाहिए कि सुबह उठकर हम जय राधा माधव गाएंगे, दोपहर को चौराग्य गमनम पुरुषम नमामि हम चौराग्य अष्टकम गाएंगे, उसमें भी पुरुष की महिमा बताई गई है, और फिर शाम को या दिन में एक बार नंद नंद अष्टकम, श्री जगन्नाथ अष्टकम या शचीसूत अष्टकम, ये 3 अष्टकम में से हम कोई भी एक गाएंगे। तो रोटेशन में रखने चाहिए, आज नंद नंदन तो कल जगन्नाथ अष्टम शचीसूत, इस प्रकार से। चौथा नियम है दिन में 3 बार, आने वाले दिनों में, क्योंकि इस महीने में इसकी महिमा है ना, इसलिए मैं चौराग्य अष्टकम पर आपको बताऊँगा, कभी कथा में प्रवाह में आ गया तो उसका अर्थ या जगन्नाथ अष्टकम इन सब के अर्थ हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। फिर चौथा है दिन में 3 बार एक समय पर 3 बार इस मंत्र को दोहराना चाहिए, जो मंत्र मैंने आपको अभी बताया, गोवर्धनम धर्म वंदे गोपालम गोप रूपिणम गोकुलोत्सव मिशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। पांचवा है भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। आप नोट कर लीजिए, इसमें से जितना प्रैक्टिकल हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना चाहिए। तो गीता के 15वें, क्योंकि वो पुरुषोत्तम योग है और बहुत सुंदर श्लोक समझने लायक है, तो इसका पाठ करें। छठा है श्रीमद् भागवत के 10 स्कंद का 14वां अध्याय, जिसमें ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान को स्तुति करके हुए 20 श्लोक है। आने वाले दिनों में मैं इस पर भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा, लेकिन ये पाठ करना शुरू कर दीजिए। ये श्लोक पाठ करते रहेंगे तो वह कथा में सुनने में बड़ा आनंद आएगा। तो छठा नियम यह है कि 10 स्कंद 14वां अध्याय ब्रह्म स्तुति, भगवान कृष्ण को जो स्तुति की है वो। सातवां है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, अपना जो लिविंग स्टाइल है उसे सिंपल कर देनी चाहिए और विचार ऊंचे रखने चाहिए। भोजन में केवल फलाहार या सीमित करना चाहिए, जितना भी है उसे कम करने का प्रयास कर। यदि 5 बार भोजन करते हैं तो 4 बार कीजिएगा। मैं 10 बार करता था तो अब 8 बार ही करूँगा। तो मतलब अपना जो भी है वो स्टैंडर्ड नीचे कर देना चाहिए। 3 बार करते हैं तो 2 बार, 2 बार करते हैं तो 1 बार, इस प्रकार से। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है कि हमको आलस न आए, नींद न आए। अब भोजन ना करो और तपस्या करो और पेट पकड़ कर दिन भर सोते रहो, उससे तो चाहे थोड़ा खा पी कर भजन ही करो, यही बेटर है। आठवां है केवल देसी घी का प्रयोग करके भोग बनाना चाहिए, डालडा या अलग नहीं, केवल देसी घी का प्रयोग करके भोग बनाना चाहिए। 9 ब्रह्मचर्य व्रत, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, इस महीने में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। 10वां है निरपेक्ष व्रत, व्यवसायत्मिका बुद्धि, मतलब जो भी कार्य कर्म करें केवल कृष्ण के लिए करें, ये 10वां नियम है। 11वां नियम है अन्य कार्यों के लिए कम प्रयास करना और भक्ति में प्रोग्रेस हो उस कार्य में ज़्यादा मेहनत करना, मतलब अन्य जो कार्य ना मिनिमाइज कर देना है।
अब मौसी के घर पे जाना है, फलानी के घर पर जाना है, फलानी के वहाँ, वो सब इस महीने में मतलब कम कर दे हैं, और भक्तिमय कार्य बढ़ा दे। बारहवा है शारीरिक जरूरतों को सीमित करके आध्यात्मिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना। शारीरिक वस्तुओं को सीमित करके आध्यात्मिक आवश्यकता को प्रायोरिटी प्रधानता प्रदान करें। तेरहवा नियम है अपने संकल्प को भक्तों के समाज में रखें। मतलब जो आपने संकल्प किया है, मतलब इन नियमों में जो आपने अपना नियम बनाया है, वो अपने गुरु के सामने, भक्तों के सामने, मतलब सबको लेकर घूमना नहीं चाहिए कागज में लिखकर, अपन तो ये कर रहे हैं, मैं तो ये कर रही हूँ, तो दूसरे दिन ही बंद हो जाएगा। मतलब कि भाई गुरुजनों को बताना चाहिए कि कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं, आशीर्वाद कृपा प्राप्त कर रहे हैं। चौदवा, कोई प्रिय वस्तु खाद या दिनचर्या का कोई एक अंग छोड़ना चाहिए। अपनी कोई भी एक प्रिय वस्तु को त्यागे। मुझे करेला बहुत पसंद है, आज से मैं करेला त्याग रहा हूँ। ऐसी गलती, मतलब भगवान के साथ ऐसी चतुराई नहीं चलेगी। प्रिय वस्तु, कोई भी अपनी जो प्रिय वस्तु है उसको त्यागना चाहिए, ये चौदवा नियम है। पंद्रहवा नियम है दान तो आप देते ही हैं, लेकिन दान की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, और शुद्ध पात्र यदि आपको दिखे तो खूब दान करना चाहिए, और ये पंद्रहवा नियम है। सोलहवा है धामवास। इस महीने में 300 दिन भगवान के धाम में वास करना चाहिए। यदि भगवान के धाम में नहीं तो प्रभुपाद की बड़ी कृपा है, इस्कॉन मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए, है ना, और हमें भक्तों के साथ संपर्क, वैष्णव एसोसिएशन आदि करना चाहिए। सत्रहवा, तुलसी दल और कमल पुष्प भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवान को तुलसी दल और कमल, कमल तो कहाँ से लाओगे, अमेरिका वाले तो तुलसी भी बेचारे इतना नहीं ला पाएंगे, लेकिन जो भी हैं स्मरण करके भी तुलसी दल और कमल पुष्प भगवान को नित्य। हमने यहाँ पर कार्यक्रम रखा है कि हम इस एक महीने में 1,00,000 तुलसी अर्पण करेंगे भगवान को, और उस 1,00,000 के लिए ज़्यादा नहीं करेंगे, महीने में केवल 3 प्रोग्राम करेंगे, शुरुआत में, मिडल में और अंत में। तो यहाँ से सभी भक्त, जहाँ अब अमेरिका कनाडा वाले तो शायद तुलसी नहीं ला पाएंगे, लेकिन आप उपस्थित रहिए, भारत वाले तुलसी लाएंगे, और जितना कम पड़ेगा उतना गौशाला में अमित नारायण प्रभु से निवेदन है कि वो वहाँ पर अरेंज करेंगे। तो 3 स्लॉट में हम 1,00,000 तुलसी, 33,000 इस करके, ऐसे करके हम लोग अर्पण करेंगे। तो कॉन्क्रीट रूप से 35 जन को 1,000,000 तुलसी ये कार्य करेंगे तो 1,00,000 हो जाएगा। तो ये आपकी गिनती है, गिनती में मैं कच्चा हूँ, लेकिन ये 1,00,000 होने वाला है इस महीने में, महीने के दौरान। अठारहवा है क्रोध को त्याग करें। क्रोध को त्याग करने का प्रयास करें, और उत्तेजित करने वाली जो परिस्थिति है उससे बचना चाहिए, क्रोध को उत्पन्न करें ऐसी परिस्थिति से बचना चाहिए। 19वां जो थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा मुश्किल है, वो है वैष्णव अपराध से पूर्ण रूप से बचें। वैष्णव अपराध से पूर्ण रूप से बचने का प्रयास करें। 20वां है ग्रंथ वितरण करें। जैसे अभी आपने सुना ना, पुरुषोत्तम मास, गोलोक में वास, तो केवल पुरुषोत्तम, गीता, भागवत, ये सब पुरुषोत्तम की ही तो कथा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, क्योंकि भक्तों धर्म यदि टिकेगा तो इन बुक्स के ऊपर, सिद्धांतों के ऊपर। मंदिर, इमारत, ये सब ठीक हैं, लेकिन हमारे आचार्यों ने, चाहे चैतन्य महाप्रभु, रूप सनातन, इन्होंने बड़ी मेहनत की है इन ग्रंथों के लिए। सो ग्रंथ का वितरण करना चाहिए। फिर 21वां नियम है वैष्णव सेवा या प्रसाद खिलाना चाहिए। वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, वैष्णवों को प्रसाद खिलाना चाहिए, और इस समय मंदिर में ऑफर किया जा सकता है, आप कर सकते हैं। 22वां है हरि कथा से खुद का शुद्धिकरण करें, और अपनी रोज की श्रवण, शास्त्र अध्ययन, जप संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। तो कथा सुनने में भी वृद्धि, रोज कथा नियम से सुननी चाहिए और उसकी अवधि को बढ़ाना चाहिए। 23, धाम की परिक्रमा का विशेष महत्व है,
और अभी धाम में नहीं जा सकते हैं तो इस्कॉन में जाकर मंदिर की परिक्रमा करें, और इस्कॉन भी नहीं जा सकते तो आपके घर में भगवान का मंदिर और तुलसी हैं तो रोज दिन में एक बार दो बार तीन बार अपने घर की तीन परिक्रमा करें, कीर्तन करते हुए जप करते हुए। तो ये परिक्रमा की महिमा है पुरुषोत्तम मास में। 24वां है मंदिर मार्जन कम से कम घर पर नित्य करें। इस महीने में रोज मंदिर को, मंदिर में जो लील बढ़ गई है ना, मंदिर में जो बावा बन गया ना, वो सब पूरा माटी का थर लग गया है, इस महीने में कम से कम क्लीन रखें, उसको साफ रखें मंदिर को। तो गुंडीचा मार्जन इस महीने में रोज करना चाहिए। 25वां है पवित्र नदियों में रोज नहाना चाहिए, और रोज नहीं नहा सकते तो इस मास के अंतिम दिन एक बार पवित्र नदी में नहाना चाहिए। और फिर भी ये लॉकडाउन ये सब पीरियड हैं और ऐसे देशों में हो तो कोई बात नहीं, घर पर ही लेकिन नहा लीजिएगा नहा लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा नहाते समय उन नदियों का स्मरण कर लीजिएगा तो उन नदियों में नहाने का फल प्राप्त होता है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस श्लोक से यदि हम नहाते हैं तो सारी नदी में स्नान करने का फल मिलता है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु जलेस्मिन् सन्निधि। ठंडा लगा बस ऐसे इतना बोल के फिर वो फुवारा शुरू कर देना, फिर ठंडे पानी से नहा लेना, गर्म पानी से मत नहाना, क्योंकि ये सब नदी के जो जल हैं वो गर्म नहीं होते, ठंडे होते हैं। तो ठंडे पानी से थोड़ा थोड़ा सा होगा लेकिन अच्छा है, फ्रेश हो जाओगे, नींद उड़ जाएगी। तो इस प्रकार से नदियों में स्नान कर लिया। 26वां नियम है नित्य रूप से राधा और कृष्ण को दीप अर्पण कीजिएगा। भगवान को रोज सुबह शाम दो बार या कम से कम एक बार दीप अर्पण करना चाहिए। और अंतिम लास्ट 27वां संकल्प का पारण करें तो वैष्णवों को बुलाए घी से निर्मित भेंट करें, अर्थात रोज जो है ना, रोज हमें ब्राह्मण का भोजन कराना चाहिए। तो हम रोज तो नहीं करा सकते, तो 33 दिन का जो मील है, 33 दिन का जो भोजन है वो एक दिन में करा सकते हैं, या रोज एक एक ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, डेली एक कराओ या अंतिम दिन में एक साथ 33 को भोजन करा दो, हैं? तो ये कराना चाहिए। तो इस प्रकार से अधिक मास में ये नियम है, और यदि विशेष जानकारी चाहिए तो अमित नारायण प्रभु से संपर्क कीजिएगा, वो आपको ये सारी बातें लिखित प्रदान कर देंगे ताकि आप सब कर सकते हैं। तो आइए चैतन्य लीला की ओर आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। धन्यवाद। तो इस पावन पवित्र पुरुषोत्तम मास के दिनों में भगवान पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला गाथा श्रवण करने का एक विनम्र प्रयास हम सब करने जा रहे हैं। वास्तव में महाप्रभु की जो कथा है उसे गाना असंभव नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं स्वयं श्रीमती राधा रानी का भाव है। और भक्तों, भाव को शब्द में प्रस्तुत करना ये पूर्ण रूप से संभव नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, कुछ घट जाता है। लेकिन फिर भी
न भाव है न भाषा है, फिर भी आप सब भक्तों का अनुग्रह है और हृदय में एक लोभ है। सो बहुत सुंदर, मुझे तो एक समानता दिखाई दे रही, एक तो अधिक मास और ऐसे पावन अवसर पर श्री चैतन्य महाप्रभु की गाथा, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला कथा अनेक ग्रंथों में है। हम यहाँ पर मूल रूप से श्री चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, चैतन्य कड़चा, ऐसे जो प्रमुख महाप्रभु के लीला के ग्रंथ हैं और जीवन में जब जब समय मिला और हमने जो पढ़ा है, जो भी मन में स्मरण रहा, तो इन सभी ग्रंथों से मिलान करते हुए आपको महाप्रभु की फेवरेट खिचड़ी खिलाएंगे। सो हम इन ग्रंथों से महाप्रभु की जीवनी 48 वर्ष तक, 48 वर्ष तक चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर रहे और उन्होंने जो जो किया, उनसे संपर्क में जो जो आए, ये सारी बातें हम एक प्रयास करेंगे इसे सुनने का, समझने का। वैसे चरितामृत में अनेकों अध्याय हैं, चैतन्य भागवत में अनेकों अध्याय, चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर कुछ अलग, लेकिन इन सबको मिलान करते हुए मैंने इस कथा के लिए 20 पार्ट में महाप्रभु की लीलाओं को बांटा है। 20 पार्ट हैं और इन 20 पार्ट में हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम पार्ट हैं चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, और इस चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के अंतर्गत इस 20 अध्याय, आप 20 अध्याय समझ लीजिए, हम 20 अध्याय, ये अध्याय आप चरितामृत में मत खोजिएगा या केवल चैतन्य भागवत में मत खोजिएगा, ये मैं सबको मिक्स करके एक खिचड़ी बनाया हूँ ताकि आपको क्रम से ये सारी बातें मिले, क्योंकि जो चैतन्य भागवत में नहीं लिखा गया, जो वहाँ पर कुछ अधूरा रहा, उसे कविराज गोस्वामी ने लिखा, और इन दोनों ग्रंथ में जो कुछ बाकी रह गया उसे लोचनदास ठाकुर ने मंगल में लिखा, और फिर कुछ विशेष बातें चैतन्य कड़चा में मुरारी गुप्त ने लिखी, और भी अनेक ग्रंथों में ये सब लिखा गया। तो इन सब का समन्वय करते हुए हम 20 अध्याय में, 20 भाग में इसे बांटते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहला भाग है चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, महाप्रभु का जन्म, ये प्रथम भाग। इसके अंतर्गत मंगलाचरण, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है ये हम समझेंगे, और भगवान होकर भी 24 अवतारों के अंतर्गत क्यों नहीं है, क्योंकि वे प्रछन्न अवतार हैं, ये बात जानेंगे। साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का मुख्य कारण या फिर अंतरंग कारण जिसे कहते हैं, और इसके अंदर हम ये भी जानेंगे महाप्रभु के आविर्भाव का गौण कारण या बहिरंग कारण। साथ ही साथ हम ये भी जानें महाप्रभु के आविर्भाव का अन्यान्य कारण, अलग अलग भिन्न भिन्न कारण, और फिर इस संसार में, इस धरती पर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव कैसे हुआ, और महाप्रभु का स्पेशल जन्म स्थान, ये हमने कवर किया है प्रथम टॉपिक, प्रथम अध्याय में। फिर दूसरे अध्याय में आगे चलेंगे बाल लीला, तो फिर बाल लीला के अंतर्गत बहुत सारी महाप्रभु की, फिर आगे बढ़ेंगे पौगंड लीला, ऐसे करके हम एक प्रयास करेंगे इन आने वाले 7 दिनों में पूरे महाप्रभु की लीला के ऊपर, चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के ऊपर हम एक छोटा सा प्रकाश डालें। सो ये मेरे द्वारा भी एक विनम्र प्रयास है, आप लोग मुझे हेल्प कीजिएगा, हेल्प इतने ही कि कृपा कीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि हम इन बातों का स्मरण कर सकें और आपके बीच में प्रस्तुत कर सके। सबसे पहले कह दिया महाप्रभु की कथा ये भाव भाषा है, और भावों को शब्द में पूर्ण रूप से नहीं उतारा जा सकता, लेकिन फिर भी आप सब भक्तों का अनुग्रह और हृदय का लोभ, और कुल मिलाकर तो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, हम अपने निज आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए इसको गाएंगे और
इसका आनंद उत्सव मनाएंगे। आज वैसे तो समय हो चुका है, लेकिन श्री गणेश कर दूं, मैं ओपनिंग कर दूं। जैसे भागवत में हम कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि अब हम चैतन्य चरितामृत चैतन्य लीला सुनेंगे, इसलिए 7 दिन के लिए ये संबोधन बदल जाएगा। क्या बोलना है? ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय, ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय, ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। श्रूयताम श्रूयताम नित्यम, गाइए, श्रूयताम श्रूयताम नित्यम, गीयताम गीयताम मुदा, गीयताम गीयताम मुदा, चिन्त्यताम चिन्त्यताम भक्ता, चिन्त्यताम चिन्त्यताम भक्ता, चैतन्य चरितामृतम, चैतन्य चरितामृतम। कविराज गोस्वामी कहते हैं श्रूयताम श्रूयताम नित्यम, नित्य रूप से इसे सुनो इसे सुनो, और केवल सुनो ही नहीं, गीयताम गीयताम मुदा, आनंद से इसे गाओ। तो नित्य सुनो और आनंद से गाओ, और चिंत्यताम चिंत्यताम, और इसका चिंतन करो इसका मनन करो। किसका? चैतन्य चरितामृता। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का मनन करो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव क्यों हुआ? अब अंतरंग कारण बहिरंग कारण इसमें नहीं जाना है, ये तो हम कल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्वान बैठे हैं तुरंत शुरू कर देंगे। अंतरंग कारण ये है, बहिरंग कारण ये है, श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वान एव, विद्वान तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप तो तुरंत बता दोगे, ये तो ठीक है, ये सब हम कल सुनेंगे। सीधी रूप से हमारे ब्रजवासियों के भाव में कहूँ ना भक्तों, ब्रज भाव मैं आपको महाप्रभु और ब्रज का यदि मिलान करूं, श्री चैतन्य महाप्रभु का इस धरती पर अवतार हुआ अपने भक्तों का ऋण उतारने के लिए। फिर से, श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर आए क्यों? अपने भक्तों का ऋण उतारने के लिए। गीता में कृष्ण ने क्या कहा? भगवद गीता में कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम। क्या कहा? कि अर्जुन जो व्यक्ति जिस भाव में जिस तरह से मेरे पास आएगा, मैं उनका वैसा ही भजन करूंगा, मैं उनके सामने वैसा ही प्रस्तुत होऊंगा। मैं ज्यादा न बोलूं क्योंकि समय हो चुका है, लेकिन आपको इतनी लिंक दे दूं। आप पूतना को याद कीजिए। पूतना राक्षसी भगवान कृष्ण के पास आई, ध्यान से सुनिएगा। पूतना नाम की राक्षसी कृष्ण के पास आई क्यों? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल गातिनी, शिशुम चचार निघ्नंती पूर ग्राम व्रजा दिशु, साखे चरी कदो पेत्य पूतना नंद गोकुलम, योषित्वा माययात्मानम प्राविशत कामचारिणी। वह गौर स्वभाव वाली पूतना कृष्ण को जान से मारने के लिए आई थी अपने स्तन पर। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात, शायद शायद ये भाव पहली बार आप सुन रहे होंगे। पूतना अपने स्तन पर कालकुट नाम का विष लगाकर आई थी कि मैं कृष्ण को जान से मार दूंगी, खत्म कर दूंगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया है? पूतना कृष्ण को जान से मारने के लिए आई थी, लेकिन कृष्ण ने पूतना को मारा नहीं, कृष्ण ने पूतना को अपनी मां बना लिया।
अपनी माता का स्थान दिया और माता का स्थान देकर कृष्ण ने पूतना को वैकुंठ गोलोक वृंदावन में भेज दिया। और इसीलिए उद्धव जी रोते हुए विदुर जी को कहते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंगासयापा यद्यपि यसाधवि लेभे गतिम दात्री उचिताम ततो व्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। अहो बकासुर की बहन पूतना स्तन में कालकुट विष लगाकर जान से मारने के लिए आई थी कि मैं कृष्ण को जान से खत्म कर दूंगी, मार दूंगी। लेकिन ऐसी पूतना को कृष्ण ने क्या किया, अपनी मां बना लिया और नित्य धाम नित्य जगत गोलोक वृंदावन में माता का स्थान दे दिया। ध्यान से सुनिएगा, जान से मारने आने वाली पूतना को कृष्ण ने गोलोक में सबसे उच्च गति प्रदान कर दी। तब कृष्ण ने सोचा कि पूतना को मैंने गोलोक में मां बना लिया तो फिर इन ब्रजवासियों ने रात दिन 2400 घंटा मुझे प्रेम किया, अपना सब कुछ मुझे अर्पण किया, यशोदा ने मुझे अपना स्तन का दूध पिलाया, नंद बाबा ने क्या नहीं किया। जब पूतना को मैंने इतना ऊंचा स्थान दे दिया तो इस अन्य ब्रजवासी भक्तों को मैं कौन सा स्थान दूं। पूतना जैसी राक्षसी को जब मैंने वहां तक पहुंचा दिया तो नंद यशोदा और ब्रजवासियों को तो उससे भी ऊंचा स्थान देना चाहिए। लेकिन पूतना के बाद कृष्ण के पास उससे ऊंचा स्थान बचा ही नहीं। तब कृष्ण के मन में अफसोस हुआ, अरे रे रे, मैंने मेरा ही सिद्धांत तोड़ दिया, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, मैंने क्या किया। पूतना को मैंने मां बनाया और फिर मैं यशोदा को भी उनकी तरह मां बनाऊं तो ये तो न्याय नहीं हुआ ना। ये तो कहां न्याय हुआ, ये तो अन्याय हुआ कि जो जान से मारने वाली आई जहर लगाकर उसको भी मां और यशोदा को भी मां, ये तो अन्याय है। मुझे यशोदा को ऊंची गति देनी चाहिए, इन ब्रजवासियों को ऊंची गति देनी चाहिए। कृष्ण के मन में ये अफसोस रह गया कि मैं इन ब्रजवासियों के, इन भक्तों के ऋण में रह गया। और इसीलिए द्वापर युग के बाद इस कलयुग में वही कृष्ण अपने भक्तों के ऋण को उतारने के लिए इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। और महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर उन्होंने शुद्ध भक्ति, अपनी प्रेमा भक्ति का दान किया। उन्होंने दास बनकर सबकी उपासना की, उन्होंने दास बनकर सबको सौभाग्य दिया, सबकी सेवा। तो एक रसिक कारण यह है कि द्वापर लीला में कृष्ण अपने भक्तों की जो इच्छा पूर्ण नहीं कर सके, उनको न्याय नहीं दे सके, कृष्ण ने अपना ऋण महसूस किया। उस ऋण को उतारने के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरती पर प्रकट हुए। और उस लीला में, द्वापर में, जिन जिन भक्तों का ऋण अधूरा रहा था उन भक्तों को कलयुग में प्रकट कराया। वही नंद बाबा को प्रकट कराए, देवकी को, वसुदेव को, यशोदा मैया को, सबको धरती पर प्रकट कराया। इवन गर्गाचार्य को, नीलांबर चक्रवर्ती, ये सब आगे आएगा। और जो द्वापर लीला में अधूरा रह गया वो चैतन्य महाप्रभु के लीला में भगवान श्री कृष्ण ने उसे पूर्ण किया। तो ये हुआ एक रसिक कारण। महाप्रभु का अवतार इस धरती पर हुआ हरि नाम देने के लिए, हरि नाम देने के लिए। चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं, एकमात्र हरि नाम देने के लिए इस धरती पर प्रकट हुए।
इसलिए एक भक्त ने सुंदर लिखा है, कली काल का धर्म है हरि संकीर्तन, कली काल का धर्म है हरि संकीर्तन, इसलिए अवतीर्ण श्री शचीनंदन, इसलिए अवतीर्ण श्री शचीनंदन। कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में परिचर्या, परंतु कलयुग में एकमात्र हरि नाम से ही कल्याण हो सकता है, हरि नाम से ही उद्धार हो सकता है। आपके मन में प्रश्न होता होगा, तो क्या कलयुग में पहले कोई हरि नाम नहीं लेता था? लेता था, लेकिन लेना किसी को नहीं आता था। हरि नाम की महिमा तो वेदों में, शास्त्रों में, भागवत में भर भर कर बताई है, लेकिन उस हरि नाम को लेने की स्टाइल किसको पता थी? किसी को नहीं। चैतन्य महाप्रभु आए और किस प्रकार मृदंग के साथ, झांझ के साथ, करताल के साथ, खोल के साथ कैसे कीर्तन और संकीर्तन होता है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी आचरित धर्म जीवेर सिखाए, अपने आचरण से पूरे संसार को विधि सिखाई, सिस्टम सिखाई। ये है विधि। सुखदेव ने जो भागवत में गाया, सूत जी ने गाया, वेदव्यास ने गाया, पुराणों में जिस कीर्तन को गाया गया, उस कीर्तन को कैसे करना चाहिए, प्रैक्टिकल विधि श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाई। महाप्रभु से पहले कौन मृदंग के साथ गाता था, कौन करताल के साथ गाता था, कौन ऐसे रोड पर, मार्ग पर नाचता था, ये सब महाप्रभु ने सिखाया। सो कलयुग का धर्म है हरि नाम, और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु नाम अवतार है, नामावतार, क्योंकि नाम देने के लिए, हरि नाम देने के लिए इस धरती पर आए। अब मैं केवल आज इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे भगवान कृष्ण गोलोक धाम में अपनी गोपियों के साथ, सखियों के साथ कितने सुखी, लेकिन वे भगवान धरती पर आते, एक तो ऐसे कीचड़ जैसी दुनिया में आते, यहाँ कुछ लेने जैसा है, और ऊपर से बंगाल में जन्म, जहाँ मछली और भात के अलावा कोई कुछ खाता नहीं है, और फिर ऐसे ऐसे समाज में आकर फिर 24 वर्ष की आयु में संन्यास लेते हैं। आज तक किसी अवतार ने सन्यास लिया, आपने सुना? सन्यास लेते, पत्नी एक विधवा माँ को छोड़कर चले जाते हैं, इतना कष्ट, इतना दुख क्यों? एक और मात्र एक, हम जैसे जीवों के ऊपर करुणा और कुछ नहीं, दया और कुछ नहीं। और इसलिए रूप गोस्वामी को कहना पड़ा, नमो महावदान्याय, प्रभु प्रभु दानी तो बहुत देखे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु दानी नहीं, महादानी। नमो महावदान्याय, क्यों? क्योंकि वे पात्रता भी देते हैं, और पात्र देकर उसमें भरने के लिए शुद्ध भक्ति भी देते हैं। चैतन्य महाप्रभु आए, हरि नाम बहुत गूढ़ था, गुह्य था, लेकिन महाप्रभु ने वेदों के सार को, गूढ़ रहस्य को हम सबको प्रदान कर दिया। तो हमें उस रहस्य का, चैतन्य महाप्रभु की कृपा और करुणा का लाभ लेना चाहिए, और अपने जीव को धन्य, जीवन को धन्य करना चाहिए। भक्तों, हरि नाम से क्या नहीं होता, हरि नाम ही सब कुछ है। आज हम सब लोग जो भी हैं, हरि नाम के कारण है। ऐसा कहा गया 99.99% साधना भक्ति की उन्नति हरि नाम के ऊपर डिपेंड है, बाकी सब 1% में आता है। ऐसे हरि नाम को देने के लिए महाप्रभु आए। किस मूड में लेना चाहिए, किस भाव में, कैसी परिस्थिति में हरि नाम लेते हुए क्या व्यवहार करना चाहिए, शिष्यों के साथ, मित्रों के साथ, माँ बाप के साथ, महाप्रभु ने बहुत कुछ अपने आचरण से सिखाया। तो ये सब आने वाले दिनों में हम जानेंगे। केवल आज हमने श्री गणेश किया, चैतन्य महाप्रभु का अवतार, अपने ऋण से मुक्त होने के लिए, और दूसरा हरि नाम देने के लिए। हम सब हरि नाम करें, महामंत्र का जाप करें, और अपने जीवन को धन्य करें। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, प्रेम से अपना कीमती समय निकालकर इस कथा का श्रवण किया, आप सभी भक्तों का धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद अमेरिका निवासी, न्यूजर्सी निवासी हमारे चिन्मय प्रभु और देव की माता, उनके द्वारा निमंत्रित सारे स्वजनगण, आपने हम सबको मौका दिया अधिक मास और
और ये हरि नाम वीक और फिर साथ ही साथ चैतन्य लीलामृत सुनने का ये सुंदर अवसर। सो भूरी भूरी धन्यवाद। आज प्रथम दिन श्री गणेश कर चुके हैं, कल से इसे वेग प्रदान करेंगे और आनंद आनंद करेंगे, जीवन को धन्य करेंगे। आइए जय जयकार के साथ आज के सत्र को हम विराम करें। कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री चैतन्य लीलामृत की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद श्री पुरुषोत्तम मास की, श्री अधिक मास की, हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।